अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। देखे तो कितनी खूबसूरत सुबह हमने सजाई है आपकी खातिर। सिर्फ खूबसूरत सुबह ही नहीं सजाई, बल्कि हम खुद भी सजे सवरे हैं अपने मैके वालों की खातिर। वैसे अपने मैके वालों के लिए तो सजना सवरना बहुत ज़रूरी है। रोज़ मिलते हैं हम, रोज़ मिलने वालों से एक मोहब्बत होती है, एक उनसियत होती है, एक आदत होती है। अब चाहे वो आपके सिबलिंग्स हों, चाहे वो आपके ससुराल वाले हों, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, चाहे वो आपके कलीग्स हों जिनसे रोज़ आपका टकराव ऑफिस में होता है, या चाहे वो रोज़ ड्रामे में आने वाले सेलिब्रिटीज़ हों, उनसे एक उनसियत हो जाती है, एक मोहब्बत हो जाती है, एक प्यार हो जाता है जिनको आप रोज़ देख रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप रोज़ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कितने सालों से आप मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है आपको मुझसे थोड़ी सी तो सही मोहब्बत हो गई है। और उस मोहब्बत का इजहार आप लोग करते हैं जब मैं आपसे मिलती हूँ। कोई आंटी मेरे यहाँ पप्पी करते हैं, कोई आंटी मेरे मुझे यहाँ हग करती हैं, कोई मुझे बहुत सारी दुआएं देती हैं, कोई मुझे बहुत बहुत सारे मशवरे देती हैं। सो उनकी मोहब्बत के तरीक़ेकार अलग अलग होते हैं और मैं आप सबकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करती हूँ जनाब। वैसे भी इंसान की फितरत है कि जब भी वो खुश होता है वो अपनी खुशी उन रोज़ मिलने वालों से, उन रोज़ ऐसे प्यार करने वालों से बांटता है जिसकी उनको आदत हो गई होती है। और सिर्फ खुशी ही नहीं, अपना गम बांटने के लिए भी उसे उन्हीं का कंधा चाहिए होता है, क्योंकि वो मानूस होता है उनकी पर्सनालिटी से। सो मैंने सोचा कि आज ईद के दिन हम कुछ ऐसा ही करें, आपसे उन लोगों की मुलाकात कराएं जिनसे आप जाने अनजाने में रोज मिलते हैं, हैं जरा सरप्राइज रहने देते हैं। होता क्या है इस ईद के मौके पे, खुशी का मतलब क्या होता है, खाना, मिलना, मिलाना, मोहब्बतें, एक दूसरे को बांटना, एक दूसरे से गले मिलना, एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करना, ये होता है इस त्यौहार पर जिसे हम ईद कहते हैं। सारे रोज़े रखने के बाद जो तोहफा अल्लाह ताला हमें देता है वो है ईद की शक्ल में। ईद फितर हमेशा से मेरी फेवरेट रही। उसकी वजह क्या? ईदी, जी जी जी, हर एज की ईदी की अपनी एक खसूसियात होती हैं। ईदी उस बच्चे के लिए बहुत मायने रखती है, जो छोटा बच्चा जिसके हाथ में 5-10 रुपए से ज़्यादा कभी आते ही नहीं, लेकिन साल में एक दफ़ा उसकी गड्डियाँ जो है वो हज़ारों में भी हो जाती हैं। और फिर जब आप और थोड़े बड़े होते हैं तो आपके लिए वो ईदी बहुत मायने रखती है जो सबसे पहले मंगनी के बाद आपको मिलती है, यानी आपके ससुराल से आई हुई ईदी। वो चूड़ियाँ, वो जोड़ा, वो जूती, वो बिंदिया, वो मेहंदी, वो ईदी का सामान उन सारी चीज़ों पर भारी होता है जो अम्मी अब्बू ने हमें बचपन से लाके दी है, ये बात तो तय है। फिर ज़िंदगी आगे बढ़ती है और पहला बच्चा जब घर में आता है तो ननियाल और ददियाल की तरफ से उसकी ईदी आती है। तो सारी जो मोहब्बतें हैं और जो प्यार है नानी और दादी, वो अपनी ईदी के ज़रिए दिखा रहे होते हैं उस पैदा हुए हुए बच्चे को जिसके सिर्फ अम्मा अब्बा खुश हो रहे होते हैं। तो ईदी का क्या मतलब है? हर किसी की ज़िंदगी में ईदी का अलग मतलब होता है, यानी किसी के लिए पैसे, किसी के लिए जेवर, किसी के लिए चॉकलेट्स, किसी के लिए फूल, किसी के लिए किसी के घर आ जाना। यानी मुझे बहुत खुशी होती अगर मेरे घर ईद पर कोई ऐसा मेहमान आ जाए जिससे मुझे मिले हुए कुछ सालों गुजर चुके हैं, कोई ऐसा रिश्तेदार या कोई ऐसा दोस्त जो पाकिस्तान में नहीं रहता और वो सरप्राइज़ दे के हमारे घर आ जाए, तो मुझे वो ईद की खुशी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है दुबाला हो गई है। अच्छा भाई, साफ सी बात है, मुझे उस ईद में मज़ा नहीं आता कि हाँ भाई मेहमान आए, क्या पका है जी, बिरयानी पकी है, फलाना पका है, ये खाए पिए, उसके बाद खाने पीने के बाद, मीठा खाने के बाद एकदम बोरियत सी हो जाती है। सोफे पे बैठने के बाद हमारे घर का माहौल जब मुझे ऐसा नज़र आने लगता है कि एक कोई सोफे पे सो रहा है, एक कोई ज़मीन पे औंधा पड़ा हुआ है, बच्चे उधर सो रहे हैं, मतलब कि खैलूला शुरू हो जाता है। तो मैं कहती हूँ यार, सोने के लिए पूरा साल पड़ा है
आज तो हम मिलेंगे, बैठेंगे, मस्तियाँ करेंगे। सो हम अपने घर में भी ऐसे ही करते हैं, गेम्स होते हैं, बातें होती हैं, कुछ कोई चीज़ टीवी पे लगा के एक साथ देखी जाती है, इंटरेक्शन होती है। आज भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। मैं अपने मेहमानों से, जिनसे आप तकरीबन रोज़ मिलते हैं, उनके खूबसूरत ड्रामों के ज़रिए मैं आपको आज भी उनसे मिलवाऊंगी, क्योंकि आपको उनसे मिलने की कुछ आदत सी हो गई है ना। सो आज की ईद का मज़ा दुबाला होगा उन लोगों से मिलके, सिर्फ थोड़ा वक्त चेंज होगा। आप उन लोगों को रोज़ रात को ड्रामों में देखते हैं, आज आप उनको डबल डबल सुबह भी देख पाएंगे हमारे शो पे। मैं उनके साथ यहाँ मस्ती करने वाली हूँ। एक ईद गेम शो आज हमने सजाया है उनके लिए, और बहुत सारी ईदी बटोरने आए हैं वो यहाँ पे। सो आप चाहते हैं उनको ईदी बटोरते हुए देखना? सो रहिए मेरे साथ आज के प्रोग्राम में एंजॉय करने के लिए। आज की सुबह हमारे नाम, आपकी सुबह हमारे नाम, ये पक्का वादा रहेगा आपका। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। बुरी है, संकी है, ओवर इमोशनल है। जान ले लूंगा इसकी, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मशहूर मॉडल और अदाकारा ज़ारा खान, जिनका कत्ल कर दिया गया। तुम क्या समझ रहे थे कि ज़ारा का कत्ल करके तुम बच निकलोगे? ये झूठ है, ये सच है, यही कातिल है मेरी बहन का, किसी ने मारा है उसे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज आप उन लोगों से मिलने वाले हैं जिनसे आप अपने फेवरेट ड्रामों के जरिए रोज मिलते हैं। उनसे आपको कुछ मोहब्बत सी हो गई है, उनसे आपको कुछ उनसियत सी हो गई है, और क्रेडिट गोज टू देम कि अपनी भरपूर परफॉर्मेंस से, अपनी भरपूर टैलेंट से उन्होंने आपको अपना बनाया है। सो आपके अपनों के साथ ईद सेलिब्रेट करने के लिए जो पहले अपना है, उनको मैं आज यहाँ शो पे बुला रही हूँ। ये इनके अंदर कुछ एक मैग्नेटिक फोर्स है, ये जब जिस सेट पे भी होते हैं वहाँ भी ये सबको अपना बना लेते हैं, अपनी मीठी मीठी बातों के जरिए, अपनी अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के जरिए और अपनी एनर्जी के जरिए। सो आइए आपको सुबह सुबह उनकी एनर्जी का डोज यहाँ से वहाँ तक देना बहुत जरूरी है। वेलकम करते हैं टैलेंटेड अली अब्बास। मुझे इतनी खुशी होती है कि ईद पे जब नौजवान भी आते तो तैयार होके आते, मुझे पैंट शर्ट पहन के नहीं पसंद आना कि ऐसे ही आ जाए ना लोग। प्रॉपरली ड्रेस्ड ईद के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। वैसे आप इस मामले में काहिल तो नहीं है, अक्सर मर्दों की तरह जो ईद पर बस एक लॉन का कुर्ता पहना है, बस उसी में पूरा दिन गुजर? नहीं, मैं बहुत काहिल। अब बहुत मतलब लाइक कुर्ता भी दूर है बिल्कुल। मुझे तो अगर मेरी बीवी तैयार ना करने के लिए कोई कपड़े वपड़े ना लेकर आए, कोई चांस ही नहीं। सो आप सही प्रोफेशन में आए, उसी वजह से आप तैयार शैयार रहते हैं। वरना ये क्या होता, बेल बजाते अली अब्बास के घर में तो फिर वो कैसे होलिये में निकलते। एक्चुअली मुझे लगता है इसका ताल्लुक हमारे प्रोफेशन के साथ भी है। हाँ। जैसे आई एम श्योर आप भी ये फील कर सकती होंगी कि रोज तैयार होना। हाँ। रोज अप टू डेट रहना जाता है। तो जब ये ईद हमारे लिए ऑफ डेज होते हैं, यस, उन ऑफ डेज में मैं तो चाहता हूँ कम अज कम कि बस मैं बेड से भी ना निकलूं। हाँ। ये जो तो कुछ भी है, खाना नाश्ता जो भी हमने करना है। आपके आने से पहले यही कह रही थी, मैं कह रही थी कि आपसे लोग मानूस हो गए, क्योंकि अब ये सिलसिला चलने लगा है चैनल्स पर कि रोज ड्रामे चलते हैं। सो आप, मैं सुबह रोज आती हूँ, आप लोग रात को रोज आते हैं। तो वो लोगों को एक आदत हो जाती है। बिल्कुल। ऐसा होता है कभी कोई गैप आ गया, एक ड्रामा दो ड्रामा एक साथ सब रिकॉर्डिंग्स हो रही होती है और आप थोड़ा स्क्रीन पर नजर नहीं आते, तो क्या आपको लोग बाजार में मिलकर कहते हैं कहाँ गए भाई, किधर हो? बिल्कुल कहते हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये लगता है कि हम लोग इतना काम कर रहे होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कि हम वर्कहॉलिक ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम लाहौर जाते हो तो बड़ी छुट्टी मनाते होगे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग 4 से 5 दिन के बाद मैं बोर हो जाता हूँ। बोर आदत है मुझे, आदत है रोज सुबह उठकर काम पे जाने की, लेट हो रहा हूँ,
कॉन्टिन्यूटीज निकालनी है, एनर्जी बांटने की, मस्तियां करने की, लोगों को छेड़ने की, तंग करने की, वो तो काम है ना? वो तो मैं आपको मौका दे रही हूँ, अभी मैं सारे छेड़ने वाले लोग बोला, सीरियसली आप उन सबको तंग कर सकते हैं, बहुत मजा आने वाला है। आइए जी, जो नेक्स्ट गेस्ट मैं बुला रही हूँ, छोटी सी है, यंग एज में इस प्रोफेशन में आई, लेकिन मैंने देखा है यंग एज की बच्चियों से भी मैं मिली हूँ, कंपैरेटिवली जब मैं इनसे मिली तो मुझे इतनी ये सोबर लगी, एक छोटी एज में ही इतनी प्रोफेशनल है काम के हवाले से, सो इनकी बड़ी अच्छी तरबियत की गई है, और इसीलिए जब आप रोज़ इन्हें ड्रामों में देखते हैं, क्योंकि ये अभी रोज़ चलने वाले ड्रामे में आपको ARYP नज़र आई और बड़ा झंडे गाड़े उस ड्रामे ने जी, बड़ी रेटिंग्स उठाई, सो मैं इनको जब भी देखती हूँ मैं बहुत खुश होती हूँ देखकर, क्योंकि एक बेटी की हमेशा जब अच्छी तारीफ की जाती है तो उसकी माँ की तरबियत नज़र आती है। सो आइए इस ईद के मौके पर आपको खुश करने के लिए खास तौर पे मैं आज सुबह भी उनको बुला रही हूँ, जिनको आप शाम में देखा करते थे ARY में, अभी आपका ड्रामा शुरू हो गया है, उनका खत्म हो गया है। सो आइए वेलकम करते हैं प्यारी सी छोटी सी टैलेंटेड ज़ैनब शब्बीर। हम तो मिलेंगे ईद भाई, मतलब हर शो में यूं रह जाते हैं, अच्छा नहीं लेकिन आप मिले, क्या मैसेज जा रहा है भाई, दिल चाह रहा है हम तो मिलेंगे। सही, तीन नहीं तो चलो एक दफा तो मिल लें, है ना? सही बात, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता फिर तीन मिलेंगे, इसमें तो गुंजाइश अल्लाह ताला भी दे देगा, सांस रोक के मिले ना और मुंह थोड़ा साइड पे, अच्छा ओके, क्या बिल्कुल वैसे ही बताना जैसे एयर होस्टेस बताती है, सांस रोक के और ये उसमें आई एम श्योर नहीं जाएंगे, पूरी एक्सपेरिमेंटल करके पूरा एक्सपेरिमेंट मिलनी है। अच्छा ज़ैनब, तुम्हारी ईद मिले ना, तो आपकी कराची या लाहौर ईद कहाँ गुजरती है? जी मेरी ज्यादातर तो लाहौर में गुजरती है, बट इस बार कराची में गुजरती है। और ज़ैनब तुम्हारी ईद कैसे गुजरती? तो मेरे ईद के शो पे एक्चुअली पहली दफा आई, पहले कभी हमने एक साथ ईद का शो नहीं किया, सो मैंने बहुत सारे सवाल करने तुमसे। मेरी ईद बहुत सुस्त गुजरती है, ये लो एक सुस्त और आ गई आपकी टीम में है भाई? मुझे सब कहते हैं उठो तैयार हो, लेकिन असल में मेरे इतने रिलेटिव्स हैं नहीं, तो इतना किसी का आना जाना नहीं होता, रात में कोई आ गया तो आ गया, सुबह तो मैं सोती रहती हूँ, जैसे अली भाई ने कहा कि हमारे तो ऑफ डे होता है, तो मैं सोती हूँ आराम से, चिल करती हूँ, जैनब ऐसे सेट पे भी सो जाया करती हूँ, सीन नहीं होता तो जैनब सो जाती थी, तो तुम देखिए तभी तो ये चिड़चिड़ी नहीं है, वरना जो इसकी उम्र की बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं चिड़चिड़ी होती है, सोती नहीं है, रात को पार्टी करती है, फिर सुबह आके शूटिंग करती है, हो गया वो अच्छी बच्ची है, सो जाती है, पड़ गया बात आई थी मैं रोकती, क्योंकि जब इस एज की बच्चियों की नींद नहीं पूरी होती ना तो वो काट खाने को दौड़ती है, तुम इसीलिए तुम्हारी नेचर अच्छी है। चलो चूड़िया शूड़िया मेहंदी वेहंदी ये शौकीन आप है अभी नहीं है, चलो मैं मानती हूँ रोज तैयार होना पड़ता है, लेकिन क्या ज़ैनब शब्बीर कभी थी? जब मैं आई थिंक इस फील्ड में नहीं थी उससे पहले तो मैं सुबह उठते ही कोई आ रहा है नहीं आ रहा है मैं तैयार होके चूड़ियाँ पहन के इयररिंग्स पहन के सैंडल्स पहन के बाहर गली में ऐसी वॉक करने निकल। कभी ईदी मांगने गई हो? किसी ईदी मांगने नहीं, बहाने से, एक बहाने होते ना, आज लाने को आंटी, कभी किसी आंटी के घर गए नहीं है? नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं, मैं तो बहुत गई हूं, मतलब नहीं मांगा, घर से मिल जाया करती थी, अच्छा अमाउंट मिल जाता था। आप गए कभी किसी के घर ईदी इसी तरह बहाने? अली भाई तो बेल बजा के भाग जाते, बिल्कुल बिल्कुल है ना यार, इसका इतना अपना मजा है, इतने रिश्तेदार नहीं अच्छे लगते थे जितनी ईद पे ईदी अच्छी लगती, यस फेवरेट हो जाते थे सारे, है ना एकदम से। अच्छा वैसे ईदी मांगनी पड़ती है आपसे या आप खुद निकाल के जेब से देते थे, दरिया दे लें कि नहीं? नहीं नहीं, मैं बहुत पैसे के मामले में कभी हाथ नहीं होता, पैसा हाथों की मैल है। सुने अस्सलाम वालेकुम ईदी मैं वॉलेट मेरा डिजाइनर का है, हां बेटा देखना वॉलेट में है अभी कुछ बचा है। अच्छा भाई मैं अगले गेस्ट को बुलाना चाह रही हूँ, कि जैसे मैंने पता है आते ही मैंने इंट्रो में ये कहा कि तुम लोगों के चेहरे वो हैं जिनको आजकल हम हमेशा हर चैनल पे देख रहे हैं, लोगों का कभी एक चैनल पे नजर आते हो कभी दूसरे, माशाल्लाह कि तुम लोग जाहिर है जवान जहान खून है तो वो तो काम करेगा ही, सो एक और जवान बच्चा जिसको मैं अभी बुला रही हूँ उसको भी आप ARY पे रोज चलने वाले ड्रामे पे देख चुके हैं, दूसरे चैनल्स पर भी बड़े मजे मजे के ड्रामे वो कर रहे हैं, और ये लोग आजकल छाए हुए हैं, सो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है जो लोग छाए हुए हैं वो यहाँ ना छाए, सुबह सुबह भी छाना चाहिए। सो वेलकम करते हैं एक और टैलेंटेड चेहरा जो अभी कुछ दिनों में ही आपको नजर आया है और एकदम आते ही छा गया, वेलकम टू उसामा खान। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये भी वो गेस्ट हैं जो मेरे पास इस वक्त ईद पर पहली दफा आए हैं। बिल्कुल, पहले इतने सालों से शो कर रही हूं ना, रिपीटेडली गेस्ट आ चुके हैं। इनसे मैंने कई सवाल कर चुकी हूँ ईद के, कि हाँ याद है बहुत, हर सेट पर आए हैं। हर कोई दो तीन साल बाद मैं इनसे कहती हूँ भाई आपने ईद पर आना है ना। बिल्कुल, और आते भी हर बार आते हैं भाई, माशाल्लाह। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग हमारी बड़ी अच्छी, मैं इनके लिए आता हूं। एक कॉल कर देती है और मैं कहता हूं अच्छा मैं क्या कहूंगा। हाय हाय, ऐसी ऐसी के बाद क्या क्या मतलब है। सामान्य मेरे अपने में भी ये बहुत ट्राई किया था, मैं नहीं पसंद, मैं निकल गया। अच्छा वैसे देखो, कुछ लोग जो है ना वो चांद रात को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और कुछ लोग ईद के सुबह के इंतजार में होते हैं, तो आपका शुमार कुछ किन लोगों में होता है? इन दोनों में से कुछ नहीं। क्या मतलब, एक और सुस्ती टीम आ गई। सुस्त क्या मतलब, सोते हैं ये ले। आज तो मैंने उठा दिया, आज मैंने बड़ा नेक काम किया है। वो लोग जो ईद पे सोते हैं सुबह सुबह, मैंने उनको उठा दिया। बैक टू बैक शूट कर रहे हो तो फिर कहाँ टाइम मिलता है? ईद होती है, छह छुट्टियां होती है टोटल। नहीं करें यार, मतलब कुर्बानी दी हमने। सुने, एक्टिंग से पहले चले मुझे बताएं, इसको छोड़ दें एक्टिंग, जब आप बेरोजगार थे, जब आपके पास कोई नौकरी नहीं थी, सिर्फ फंड टाइम था उस वक्त, पढ़ रहे थे, अपनी बहनों को मेहंदी वगैरह। अरे यार रहने दे भाई। अच्छा मतलब कि वो लड़के मतलब अच्छे खासे बेचारे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, लेकिन चांद रात पर चूड़ियों को स्टॉल लगाने का क्या शौक होता है? ये क्या होता है? नहीं मैं मेरे से लड़कियां आती होंगी ना, अली भाई तो मेहंदी लगा रहे होते होंगे, ये आपका हाथ पढ़ते होंगे ठीक है, लेकिन वो चूड़ियां, मुझे लगता है कि वो चूड़ियां जो है वो पहनाना बड़ा मुश्किल काम है, टूट सकती हैं। आपको ईद पर क्या और शौक है, मतलब लाइक खाने पीने से रिलेटेड? बचपन में थे, ईदी देते नहीं थे, लेते थे हम। हाँ। अब जरा भांजे भांजे हो गए तो अब जरा ईदी देनी पड़ती है, तो मुंह छुपाने पड़ते हैं उनसे। हाय कितने अल्लाह कंजूस हैं ये। भांजे भांजियों को तो ईदी देनी चाहिए, बहुत ईदी देते हैं। अब तो आप कमाओ, लेकिन अब असल में दूर दूर के भांजे भांजी भी आ जाते हैं ना। ओहो हाँ, उनको लगता है कि हमारा कमाओ पोत होने का ये भी नुकसान होता है, सभी लोग आ जाते हैं, बहुत ईदी पे आते हैं, बहुत कमाता हूं इनसे लेते हैं। आज आपका बकरा साहब है? नहीं नहीं, मेरे पास एक बकरी है, बकरा नहीं, नहीं एक एक्ट्रेस और एक्टर और मौजूद है, और भी है, एक एक नहीं और भी है, और भी है, तीन और लोग मौजूद हैं, और लोग भी बुलाए। जी हाँ, मैंने बहुत तो प्यारे प्यारे लोग बुलाए, इन्होंने और भी बुलाए। मैं इत्तेफाक कह रही हूँ, मैंने जो लोग बुलाए वो सारे लोग जो हैं वो तकरीबन रोज नजर आ रहे होते हैं, और वो भी आजकल। आप लोग लेटेस्ट चेहरे हैं। सो जी, एक लेटेस्ट चेहरा जैसे मैंने कहा वो मेरे शो पे आज तक कभी नहीं आई। हाँ, मॉडलिंग करते हुए जब उन्होंने अपने करियर का आगाज किया था तब शायद वो एक दो दफा आई हूँ, लेकिन आज तक मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। वैसे मुझे जब मैं उनके ड्रामे देखती हूँ तो एक मासूमियत और एक बहुत जो एक चेहरे पर इनोसेंस है वो मुझे उनके नज़र आती है, और मैं हमेशा से ख्वाहिशमंद रही कि उनसे बैठ के सुकून से बात करूँ। तो आज मैं सुकून से बात भी करूँगी, उनसे मस्ती भी करूँगी, गेम्स भी खिलवाऊँगी, क्योंकि है ईद का मौका। सो वो चेहरा जिस पर सबको बड़ा तर्स भी आया, जो रोती थी तो हम भी रोते थे, जो हंसती थी तो हम भी हंसते थे, आज जब वो हंसेगी, इन्होंने कहा जब वो आएगी तो वो आपको रेस्ट देगी, यानी कि वो बहुत गपूरी है। आज मेरी और शहर की लड़ाई होगी। ओके, सो मैं ये लड़ाई आपको ईद के दिन दिखाऊंगी। आइए वेलकम करते हैं शहर खान। मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तुम्हें कहती हूँ तुम छोटी सी परी लगती हो, आज भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, सो मच कि तुम हमारे ईद के शो पर आई हो। क्यों हंस रही हो भाई, क्यों? ये अपने इंट्रो पे क्यों, मैंने क्या ऐसा कहा? आपने जो कहा वो मान गई, ये सच है। जब आप दे रही थी ना, आप इंट्रो दे रही थी, सारी बातें मान गई, देखे कितनी मासूम मान भी गई। नहीं यार, वो देखो लगती है मासूम। हां, नहीं नहीं मासूम, मैं कहती हूं जो दिल से नहीं बोला है, जो दिल पे होता है वो आपके चेहरे पे आ जाता है। हां ये तो है। अगर मेरे चेहरे अगर मैं बहुत हैंडसम हूं तो इसका मतलब मेरा दिल भी हैंडसम है। निदान बैठ जाए आज, आप
नहीं मैं आज ये देख रही हूँ कि आज हमारे पास अभी तक जो दो आदमी लोग आए हैं मैंने मेरी बात सुने एक आदमी वहाँ खड़ा होके देख रहा अपने वो तो ये देख रहा था वो उन्हें क्या देख रहा था उसका क्लोज बना हुआ और ये देख रहा था अरे उसामा कितने खूबसूरत हो गए सहर जैसे मैंने इनसे सवाल किया आपका शुमार किसमें होता है चांद रात वालों में या ईद वालों में जब से मुझे लगता है मैं इस फील्ड में आई हूँ ना आप तो दोनों मुझे किसी में शुमार नहीं होता क्योंकि मेहंदी आप लगा नहीं सकते सोने वालों में शुमार नहीं मेहंदी लगा नहीं सकते ना अगले दिन तीन दिन बाद आपकी शूट होती है या आपकी इस तरह का स्केड्यूल होता है कि आप मेहंदी लगा नहीं सकते लेकिन मुझे मेहंदी इतनी पसंद है तो मेरी बहन भाई लगा रहे थे मैं उनको देख रही थी ये भी तो एक हमारा ये लोग तो नहीं कह सकते कि हम मेहंदी नहीं लगा सकते हम लगा सकते हैं हम लगा सकते हैं और शहर आई है बाबा शहर पहुंची है हमारे सेट पे मैं इसलिए खामोश हूँ अभी आप देखिएगा कितनी दानिशमंदी की बातें हो रही है उसने पहली बात ये की है कि देखिए ना फिर माँ बाप के लिए तैयार तो होना पड़ता है मतलब हम शर्मिंदा ही हो गए कि यार अच्छा मतलब हम नहीं हुए हम कभी तैयार नहीं हुए अच्छा माँ बाप के लिए क्या करती कभी अम्मी का जो अम्मी का हाथ बटाती हूँ किचन में शीर खोरमा बन रहा है तो पिस्ते बादाम काट देती हूँ इतना नहीं करती बस अब्बू कहते हैं तैयार होकर बैठ जाओ बस सजी सवरी रहो बेटा किचन में नहीं जाना पहले होता था कि हम रेडी हो जाते थे पापा नमाज पढ़ के आते थे हम वेट करते थे कि अब आएंगे ईदी मिलेगी अब ये होता है कि अब सब आते हैं मैं कहती हूँ आ जाओ बारी बारी मैं देती हूँ ईदी तुम लोगों को मुझे अच्छा लगता है अब यू नो मैं कहती हूँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना अब बैठो तुम लोग कितने चाहिए ये लोग ये लो। तो मुझे कितने बहन भाई है तुम्हारे मेरी तीन बहन है और दो भाई मतलब ये छह लोग हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे अच्छा जी मैं अगले गेस्ट को बुला रही हूँ वो उन्होंने अपने करियर का आगाज एज मॉडल किया फिर आपको वो ड्रामों में नजर आए फिल्मों में नजर आए और जैसे कि इत्तेफाक हो गया पता है मैंने कोई प्लान नहीं किया था ये अब वो भी मुझे रोज के ड्रामों में नजर आते हैं कभी किसी चैनल पर अभी आप मैं बहुत शौक से देख रही हूँ वो ड्रामा मेरे हम सफर उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने की और वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी से अच्छी होती चली जा रही है एक आध दफ़ा मेरे ख्याल से प्रमोशन अपने शो के जरिए किसी ड्रामे की प्रमोशन के लिए मेरे पास आए लेकिन इस ईद पर आप काफ़ी नए लोगों से मिल पाएंगे जिनमें शामिल है ये एक टैलेंटेड चेहरा जिनका नाम है उमर शहजाद गाना भी सुनेंगे हम उनसे ईद मुबारक थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ईद पर पहली दफा हमारे शो पर आए हैं और आप सुस्ती ग्रुप में से तो नहीं ये पहला सवाल मेरा हमारी तरफ इशारा क्यों है सुस्ती ग्रुप है मैंने पूछ लिया था शहर को माइनस करके ईद पे वैसे ही एक उसका उसकी एक जो वाइब है ईद की सुस्त वाइब नहीं रिलैक्सिंग जैसे आप जैसे ईद की नमाज पढ़ के आते हैं आप जिससे भी मिल ली है मतलब एक ये होता है कि चेंज करके आप जो है वो सो जाएं आराम करें ऐसा सूदिंग इफेक्ट होता है उसके बाद उसके बाद गलत अंदाज में बताया था उमर बड़े सूदिंग तरीके से बता रहा है उसके बाद ये नहीं पता होता कि आपका उठने का वक्त क्या है आप सो गए आपका पहला दिन यही है आपके घर में कोई भाई मेहमान नहीं आते नहीं मेहमान आते हैं कब चले जाते हैं नहीं हमारा आई थिंक सबका यही होता होगा हम कमरे में सो जाते हैं फिर पीछे से कौन आके लेके जा रहा है आपने बच्चे जो बुलवाए हैं ना उसमें हम तीन वो वाले बच्चे जो लड़ने के बाद ही कहता है आ और एक्सप्लेन करता है एक ऐसा बच्चा जो सही बोल रहा होता है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है कि ईद में हम क्या फील करते हैं हमने हाँ लेकिन ईद का जो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि इट हैज़ अ ब्यूटीफुल वाइब जिसमें सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है और नेचुरली सी बात है कि एक दिल में कोई ऐसी वो चीज़ नहीं रहती है और खाना पीना खाने को मिलता है भाई मेरे तो बस वो अंडे नहीं खाते आप ईद पे खाली उबले में चीट ईद गजरेले पे अंडे डाल के खाते हैं क्योंकि मुझे जब आप आए थे प्रमोशनल शो में तो आपने मुझे बताया था आप बहुत सारे अंडे खाते हैं नहीं मतलब मैं मॉर्निंग में तो खैर खाता हूँ वो बॉडी बिल्डर है तो फिर वो तो उसके लिए तो बनती है तो फिटनेस में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फिल्म में मैंने हुमायूं को कभी शर्ट नहीं उतारने की उन्होंने हिम्मत की
ये बहुत अंडे खाते हैं, मतलब एब्स है ना. इट्स नॉट जस्ट के वो एक सही खाते हैं अंडे वाला बर्गर. देखिए एक अंडे वाला, नहीं नहीं अंडा सब खाते हैं, वो अंडे वाला बर्गर खाते हैं. मेरे को अंडे वाला वही मैं कह रहा हूँ, अंडे खाते सब हैं, सब अपने अपने तरीके से खाते. बताता कोई कोई कमीज कमीज तो उन्होंने पहनी नहीं थी जी. बहुत प्यारे गेस्ट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है और एक बहुत खूबसूरत चेहरा, मतलब जिनके बगैर मुझे लगता है मेरी ईद जो है अधूरी है. मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है. कुछ ही अरसे में उन्होंने आपके दिल पे भी इसी तरह राज करना शुरू कर दिया, क्योंकि खूबसूरत प्यारा चेहरे के अलावा बहुत प्यारी एक्ट्रेस भी हैं और वो भी आपको तकरीबन हर ड्रामे में नज़र आती है. वो कोशिश करती हैं कम काम करें, लेकिन क्या होता है वो जो एक साथ सबकी रिकॉर्डिंग हुई हुई होती है ना, तो वो एक एक साथ अलग अलग चैनल्स पे चल जाते हैं. और मैं भी रह गई, मैं भी नहीं मानी कि भाई उनको भी मैंने सुबह दिखाना है, बुलाना है आज के शो में. आइए वेलकम करते हैं मेरी बहुत प्यारी दोस्त, टैलेंटेड, आपकी फेवरेट नाज़िश जहांगीर. ईद मुबारक, कैसी हैं आप? हाय कितना अच्छा लग रहा है, ईद गले मिलना बहुत अच्छा लग रहा है. और आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं. थैंक यू. हाँ, ये जब पहली दफ़ा मेरे पास आई थी ना ईद के शो में, तो बिल्कुल सादे कपड़े पहन के, याद है तुम्हें? ये हम इनकी ताज़ीन में एक लाइन में क्या हुआ ये? क्या हम लाइन में पहले से अच्छी खड़े हैं? नहीं, आप वहाँ खड़ी हैं. मैं पता है यूँ लाइन में इसलिए खड़ा करती हूँ कि लोग पहले से आराम से नाज़िश के कपड़े देखें. ये तो लग रहा है कि बाय बाय करने के लिए अब खड़े हैं. नहीं नहीं, अभी हम वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं. सो नाज़िश ने देखा कि यहाँ निदा इतनी तैयार, मैं सबसे ज्यादा तैयार हुई हूँ. शादी के बाद होती है लड़कियाँ तैयार, बच्चों के बाद, तीन बच्चों के बाद. लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं. का शौक पता नहीं क्यों. अच्छी बात है. अच्छा, निदा हमेशा ये कहती हैं क्योंकि सब उनकी तारीफ करें, आपको तारीफ की जरूरत नहीं. नहीं, देखिए मैं तैयार इसलिए होती हूँ कि अगली ईद पर जब कोई आए तो वो भी तैयार होके आए. ये आपने सही बात की है. मैं ये सोच रही थी कि अगली दफा जब आऊंगी तो मैं और तैयार होके आऊंगी. लेकिन ईद पे वैसे खवातीन ही तैयार होती हैं. नहीं नहीं, आप भी अच्छे तैयार होके आए, वरना कल एहसन खान जीन्स और जैकेट पहन कर आए. माशाल्लाह. भाई ये इन सब से मैंने पूछ लिया, सहर जो है, सहर तुम इधर आ जाओ, तुम हमारी पार्टी में हो. ओके. सहर जो है वो क्या, मुझे लड़कों में क्यों आप लोगों ने कर दिया? मैंने सारे दोस्तों को अलग जो ईद पर सुस्तू होते हैं उनको हम पोस्ती भी कहते हैं ना स्लैंग. कोई बात नहीं, हम आपको ले आएंगे. मैं तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ कि तुमने उधर जाना है कि इधर रहना है, मतलब कि तुम सुबह तैयार होती हो? दरवाजा खटखटा कहते हैं बेटा नमाज के टाइम. चलो लड़की मेरी, हम अगर इस तरीके से इतना तो खैर हम तैयार नहीं होते. यहाँ आप लोगों ने मुझे जो बता दिया है ना, बहुत गलत किया है. आपकी तैयारी पे कोई जुमला नहीं मार रही, आप बहुत अच्छे. आप लोग तैयारी, हमारा सबसे जो बेस्ट पार्ट है, मकसद ये तैयार होने में इतनी एनर्जी. आप देखेंगे यहाँ एक ब्रेक के बाद मैं इनको बैठने का मौका कम दूंगी क्योंकि किराए के सोफे हैं खराब. नहीं, मैं बहुत सारे गेम्स करने वाली हूँ, बहुत सारी मस्तियाँ करने वाली हूँ. और ये जो कंटेंट है आज के शो का वो है ईद गेम शो. बहुत सारी ईदी आपके नाम और हमारी तरफ से तो ईदी. हमने आपको ये खूबसूरत चेहरे आज सुबह सुबह दिखा के दिए, तो रहिए हमारे साथ. क्या आपके फेवरेट चेहरों में से किसके जेब में ज्यादा ईदी जाती है? सही है ना? ओके, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक.
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आपके वो चेहरे जिनको आप रोज अपने फेवरेट ड्रामों में देखते हैं, आज वो ईद मनाने हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ शामिल हैं अली अब्बास, उसामा खान, उमर शहजाद, ज़ैनब शबीर, नाजिश जांगी, सहर खान। अल्लाह मुझे पूरे नाम याद है, मेरी भी मेमोरी आपके लिए बात है। कहना ये आपके लिए और ये आपने बिना रुके 10 में से 10 बिना रुके 11 वन टेक दिमाग चल रहा है मेरा फुल। और देखिए आपने सुबह बुला के, अब ईद अब सुस्त रही नहीं क्योंकि आपने सुबह यहाँ बुला लिया। मैं आपको इतना एनर्जाइज कर दूंगी ना शो के जरिए, अब यहीं कहीं सो जाएंगे आप कहेंगे बस बहुत हो गया। ये क्या है, ये इस ईद में तो मैं सबसे मिलने जा रही हूँ, सारे रिश्तेदारों से मिलने जाऊंगी। तुम अगले साल से तैयार होना बंद कर दो। अच्छा नहीं, वैसे सच्ची बताओ मत कि जरा एक्टर शैक्टर मॉडल बनने के बाद जो है खानदान में इज्जत बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा है। हर कोई अपनी शादी सालगिरह और अकीके में तब में बुलाते हैं। हां बिल्कुल, वो जो दूल्हा दुल्हन वो जो वहां क्या मतलब फंक्शन होते हैं, सारे फंक्शन हो गए ना भाई, सारे फंक्शन। और क्या यहाँ तो होते हैं मुसलमान। हाँ बिल्कुल, इट्स अ ट्रेडिशन। शादी में जाना तो वो बेचारे जो दुल्हन होते हैं ना वो इनसिक्योर हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये कैमरा उधर चला गया, सब उधर चले गए। बेचारे वही सेलिब्रिटी होते हैं, बड़ा ये जाती है, ये थोड़ी जाती है, ये थोड़ा सा वाओ वो टेंशन आती है अंदर शुरू में थोड़ा ज्यादा। obviously it feels good जब आपको recognize किया जाता है, लोग आके आपके काम को appreciate करते हैं, आपको appreciate करते हैं, वो अच्छा लगता है, वो एक feel होता है। हाँ थोड़ा सा जरा शुरू में होता था, but अब it's normal। अब सही है, अब it's आपके अंदर आते हैं कोई जरा tension विषय? शुरू में लगता था लेकिन अब बड़ा normal है। अब नहीं है। अच्छा भाई मैं बचपन की ईद की बात करूंगी शहर, क्योंकि मैंने तुमसे ये सवाल कभी भी नहीं किया। शहर की बचपन की ईद जो है उसकी कुछ ऐसी याद है जो तुम हमसे शेयर कर सकती हो? जब भी ईद होती थी ना मुझे तो ये इंतजार होता था कि मम्मी चाचू वो ये लोग सब कब आएंगे, क्योंकि आपको ईद ही लेनी होती थी। तो मुझे तो बस ये एक्साइटमेंट होती है, अच्छा वो कितने देंगे कितने हो जाएंगे। तो हम तो सिर्फ चौथे दिन सब बहन भाई डिसाइड कर रहे होते थे कि हाँ पूछ रहे थे तुम्हारी कितनी ईदी जमा हुई, तुम्हारी कितनी ईदी जमा, मुकाबला हो रहा होता था। तो ये होता था, अब तो अभी भी ऐसा ही होता है घर में कि किसने कितने दिए किसने कितने दिए, तो एक अच्छा लगता है कि वो कोई कितने देता है, पापा इतने देते हैं। कभी तुम्हें कोई याद है? ईदी नहीं देती कभी भी, क्यों पता नहीं क्यों, खाना पका रही है रोज, इससे बड़ी ईदी क्या है? हम आज तक पूछते मैं आप ईदी क्यों नहीं देती, अम्मी कहती तुम क्लास पका पका के खिलाने। ईदी ले नहीं लेती हमारी अम्मी, तो भाई हमारी ईदी क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी ना तो तब अम्मी ना सब बच्चों से ईदी ले लेती। हाँ तो हम और अम्मी ना जैसे कुछ कुछ पैसे आपको पकड़वा दिए और बाकी सारे हमें आज तक नहीं समझ आया ऐसे क्यों करती थी। आज समझ आया बेटा, जब अम्मी बनोगी तो पता चलेगा। नहीं नहीं, मैं इस दुख को सिर्फ तुम कभी जानती है ऐसा क्या आप करती? यार मैं शुरू में करती थी जब तक बच्चे पट जाते थे, उसके बाद तो बच्चे हमें पटाते हैं, तो मेरी मिली है हमें थोड़ी सी और मिला दे, तो हम उल्लू बनते हैं अब तो भाई। और क्या, अम्मी के पास ईदी रखवाने का फायदा ये होता है कि वो कभी भी खत्म नहीं होती। नहीं 100 रुपए थे, 200 थे, मिलती नहीं है तो खत्म कैसे होगी? देखो तोड़ तोड़ के मिलते हैं ना कि 2000 रखवा दिए हैं तो आप 25 दफा निकलवा सकते हैं। यार मेरे बच्चे ऐसे हैं, आपके मीठे वो आप ईदी से ले लीजिएगा, हमारी ईदी से काट लीजिएगा, मैं पर्स में से ये पैसे ले रही हूँ, वो ईदी आपके पास रखी है ना, कटवाते रहते पूरे साल हमारी ईदी में से काट लीजिएगा। वही तो, अच्छा मेरी छोटी बहन है जो टाइम की हमारी जो ईद हुआ करती थी वो एक बड़ी बड़ी खूबसूरत थी और बड़ा जब भी हम याद करते हैं जवान जहान आदमी। मैं आपको बताता हूं 1918 में जब पहली वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली, मैं बता क्यों रहा हूं, रीजन क्या बता रहा हूं वो जो 10-10 के नोट मिलते थे वो हम जमा करते थे, अब आप दें 10 का नोट, शक्ल बनाएंगे मुंह ऐसा, वो लेंगे ही नहीं, फिट्टे मुंह वाला वो बनाएंगे बच्चे, नखरे कितने बच्चों के, वो वाला जो टाइम था ना, मतलब हम 10-10 का नोट जमा करते थे, हम नहीं मैं तो मुझे तो 5 का नोट भी, 2022 भी तो आ गया, मतलब वो हमारे ये होता था कि 10-10 के नोट जब 500 हो जाते थे तो हम देखकर वो 500 का नोट इस तरह ले लिया करते, कड़क खुशबू वाला, यस। तो आई थिंक वो चीज बड़ी मिसिंग है अब आपकी ईद में और आपके बच्चों। अच्छा दुखी मत हो, मेरे बैग में है 10 रुपए की जगह ले लिया 1000 रुपए, दुखी मत हो मन। अच्छा मुझे याद है पिछले साल जब मैं अपने बहन भाइयों को ईदी बांटती थी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं दे रही हूँ, तो आसपास के मेरे बहन भाइयों के फ्रेंड्स भी आ गए, तो मैंने उनको हालांकि अच्छे पैसे दिए, कम नहीं दिए, उनके यूं मुंह बने हुए
और सब ईदी मिला के और कुछ ना कुछ मंगवाते थे और आइसक्रीम और पिज्जा और ये सब पहुँच गया हम छोटे ही बहुत होता है वैसे आप लोग जो है ना वो काफी लोगों का दिल का हाल जानते होंगे, बड़े बड़े रिलेटेबल है क्योंकि इतने सारे स्क्रिप्ट्स करते हैं तो आपको काफी जनरल पब्लिक की जो कहानियां है जिंदगी की वो पता चल गई होंगी। अब जो मैं गेम शो कर रही हूँ उसके लिए आप ये सोच रहे होंगे कि आपको मिलेगा क्या, हम क्यों इतनी मेहनत करें, क्योंकि आपने तो पहले बताया ही नहीं अभी तक यार। कोई पर्दा है जिसमें हम ना मुंह छुपा लूं, क्योंकि आपको मिलेगा एक अदद वाटर कूलर, एक अदद पंखा, एक अदद जूसर मशीन, वॉशिंग मशीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं तो गुड मॉर्निंग में नहीं आई थी, जीतो क्यों चल रही है, क्या उठा रहे हो, तारिक अजीज साहब का शो याद आ गया, वाटर कूलर। मैं हमला के जहेज एक तानत है, लेकिन ये तीनों तीनों अनमैरिड बच्चियां आए हैं, काम आएगा अगर जीत गए तो। अच्छा क्या, कैसे जीतेंगे, आप लोग जीतेंगे ना तो आपको ये मिलेगा, हमें मिलेगा, तुम लोगों को नजर नहीं आया, गाड़ी अपार्टमेंट है तो गाड़ी पर्दे के पीछे क्या करेंगे, जहेज पानी भर के पियोगे और कूलर की इतनी जरूरत होती है, हवा वाला पानी वाला नहीं, गई हो कभी हवा वाला, ये वाला कूलर हवा वाला भी वाला कूलर तारिक अजीज वाला कूलर यार, मतलब क्या जोड़े लगा के आप कूलर दे रही हैं, क्या मुझे जोड़े उनके शो पर आते थे उनको वाटर कूलर मिलता था, उनके किसी काम का नहीं था, मुझे लग रहा है आप भूल रही हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का, जीतो पाकिस्तान का नहीं है, मैंने कहा आज मैं भी कुछ बन जाऊं, आज मैं भी सेट वही है ना, इसकी जो थोड़ा थोड़ा तो आएगा इसको बहुत बनाएंगे इसको इनका व्यू आ रहे हैं। ओके रेडी, रेडी। अब इस गेम में होगा ये कि मैंने 15 कूपन इधर रखे हैं, 15 इधर रखे हैं, आप दोनों टीम से लड़कों की टीम लड़कियों की टीम बारी बारी सवाल करूंगी, गलत जवाब होंगे तो कूपन लेती जाऊंगी, जिसके पास ज्यादा कूपन होंगे वो होगा इनाम जीतने का हकदार, ठीक है, सही है, आप लोग रेडी हैं, लेडीज फर्स्ट, इनाम ना पूछे कोई, रखें भी सारे हार भी जाए तो कोई गिला नहीं, 15 कूपन्स का हिसाब है ना, जितने वो होंगे कम, प्लीज अब इनाम मत बरामद हो, ठीक है, आप तुम लोग रेडी हो, ओके, लड़कियों के लिए सवाल चलाया जाए भाई, बेकरी में सबसे ज्यादा क्या बिकता है, पापे डबल रोटी या रस केक, मैं से केक रस नहीं कहती, आई गो फॉर पापे, पापे इज वेरी यूजुअल, गरीब बंदा भी खरीदता है और आप लोग कर सकते हैं अपना, मुझे लगता है पापे और एक रुपए के चार आते हैं तुम्हें क्या लगता है, डबल हो सकती है, तुम्हें लगता है पापे, तुम्हें लगता है डबल रोटी, और ये बताने कितने पापे, अच्छा मेजॉरिटी विंस, हाँ ये दोनों लड़कियां कह रही हैं कि इनको डबल रोटी, नहीं एक मिनट नेता जी, ये कैसे हो सकता है, और ये एक ही जवाब होगा ना तभी तो उनका कूपन दिया जाएगा वापस, अच्छा लड़कों तुम्हें क्या लगता है कि क्या, मुझे लगता है डबल रोटी, ये लोग डबल रोटी कह रहे हैं, तुम लोग पापे कर रहे हैं, नहीं नहीं डबल ब्रेड का, हां तुम लोग भी डबल रोटी, अब तो दोनों जीते तो क्या, अच्छा ये भी डबल रोटी कह रहे हैं, मैं बता रही हूं पापे, और ये भी डबल रोटी कह रहे हैं, डबल रोटी लोग क्या कह रहे हैं जरा बताना यार भाई, लोग क्या कह रहे हैं, पापे आजकल की पापे, क्या हम जीते हैं ना, हम जीते हैं, मैंने पापे कहा था हम जीते हैं, ये क्या हो गया यार, एक मिनट ये कहा तुम्हारे लिए, नहीं ना मेरे सामने लोग जीते हैं, मैंने पापे कहा था भाई, इसने पापे कहा भाई, मुझे खुद याद है मैंने लास्ट टाइम पापे कहा था, इसका जवाब कुछ और, मैंने पापे कहा था, पापे पापे पापे, ये जवाब ही गलत है, आपसे पूछे मैंने लास्ट टाइम डबल रोटी कब खाई थी, मैं बता दूंगा, पापे पूछेंगे मुझे याद ही, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ताकि हम भी तो जीते, हां नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टोर जहां शोहर बराए फरोख्त हो तो खवातीन किस किस्म के शोहर खरीदना चाहेंगी, पैसे वाले, जी हुजूरी वाले, या खूबरू नजर आने वाले, बताओ, पैसे वाले, पैसे वाले, ओके लड़कों, जी हुजूरी वाले, लड़कों का कहना है कि अगर एक सेकंड, एक
हम अपनी 50-50 की ऑप्शन यूज करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है भैया, कोई नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है यार। मुझे मुझे लगता है कि देखिए भाई, मैंने आपका जवाब माना जी हुजूरी वाले, क्योंकि दो आप लोग ये बोल रहे हैं और आप लोगों ने क्या कहा, पैसे वाले। खवातीन को अगर शौहर खरीदने का मौका मिला तो लड़कियां कहती है कि वो पैसे वाले शौहर खरीदेंगे, और ये लड़के कहते हैं जी हुजूरी वाले खरीदेंगे, मतलब उसी के प्यार वाले। लोग क्या कहते हैं बताइए, अगला सवाल। उम्र रसीदा मर्द को आमतौर पर किस नाम से बुलाया जाता है, अंकल, चाचा या भाई साहब? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। उन्होंने अंकल बोला है, तुम लोगों ने अंकल बोला है, भाई साहब बोला है। झूठे झूठे, ये अली है ऐसा, मैं ऐसा क्यों हूँ? अच्छा दोनों भाई साहब कह रहे हैं, AR भाई लोग क्या कहते हैं? मैं पर्सनली तो चाचा कहते हैं। चाचा सारे कूपन ये हमारे घर में जी आजर ने बना। अब इसकी बात परेशान। ओके जी, अगला सवाल। जूते के तलवे पर किस चीज के लगने से डर लगता है? थप्पड़ से नहीं, प्यार से डर लगता है, लेकिन जूते पे क्या चीज चिपके तो डर लगता है? कीचड़, बबल गम या कील? यार ये कैसा सवाल है यार, ये बड़ा चीप सवाल है, लेकिन लिख कर दिया। मुझे पता है, मुझे पता है, आप लोग बताएं पहले। हमें तो तीनों चीजें डर लगता है। मुझे ऐसे लगता है, मैं भी आया हूं। अच्छा इन्होंने क्या, आप लोगों ने क्या? मुझे ऐसे लगता है कीचड़। कीचड़ या ओवर टू हर? नहीं, ओवर टू हर, ओवर टू हर। अच्छा सही है, मतलब इसके ऊपर छोड़ दिया आपने, मतलब कीचड़। एक सेकंड, इनका जवाब कीचड़। आई विल से कील, 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 कील। नहीं, एक जवाब देना है यार, जो अच्छा कील। मैं भी कील कहूं। आप लोग क्या कील दो, आप लोगों को क्या लगता है? कीचड़िल, ये ट्रू फॉल्स वाला कीचड़, कीचड़िल। बताओ इंटरवल टाइम। अच्छा बता रहा हूं, बताओ, मेरे पे प्रेशर आ रहा है। कील, कील, लाइए दे, दिखाइए यार भाई, कीचड़, बबल गम। ना तेरी ना मेरी यार, कीचड़ भी उतर जाती है, कील भी निकल जाती है, बबल, लेकिन कील जो चुप जाती है वो तेरी गंदी चिपक जाती है। अच्छे से नहीं, कोई बात नहीं, वो नहीं जीते तो सुकून में। हां, ये रीजंस तो है, लेकिन लेकिन बहुत रेयर है। इस सवाम को कील से डर नहीं लगता, उमर, इस सवाम को बबल गम से डर लगता है। ओके, अगला सवाल। हां जी, अगर किसी की जेब में सिर्फ 100 रुपए हो तो वो क्या खाना पसंद करता है? क्या बिना बोटी के आलू वाली बिरयानी, अंडे वाला बर्गर या दाल चावल? मुझे मेरे को अंडे वाला, अंडे वाला, अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला, अंडे वाला। ये बात सुनो, अंडे वाला बर्गर भी 120 का है जी। ने कहां से बंस रोड का बर्गर खाया है? तो बंस है नहीं, दाल वाला, टीपू का 150 रुपए में यासर और मेरी दोनों की प्लेट आ गई थी। 150 का ना, 150 में दो प्लेटें, मैं तो एक प्लेट की बात करी। मैं टीपू को, जो वो सबूर की शादी में नहीं था, बन कबाब। हां मजे का था वैसे वो, बहुत है ना, बहुत मजे का था। मेरी सिक्स सेंस कहती थी दाल चावल, लेकिन हां जी आपके, नहीं नहीं, आपकी जो सिक्स सेंस कहती है आप प्लीज वो बताएं। तुम लोग कह रहे हो अंडे वाला बर्गर, ये लोग कह रहे हैं बिरयानी। यहाँ का जवाब है बिना बिरयानी मिलती भी है, मिलती होगी तो ही लिखी है। केले की प्लेट मिल जाए, चलो बिरयानी जो दूर दूर तक, मुझे बिना बोटी की बिरयानी एंड अंडे वाला बर्गर। अल्लाह करे, मुझे लगा यार भाई ऐसे नहीं, लोग क्या कहते हैं? अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला, मेरे को अंडे वाला, मैंने कहा था अंडे वाला बर्गर। बर्गर आपस में लड़ी जा रही है, मैंने तुम्हें ये कहा था भाई, हम तो हारते हुए कहते हैं। कोई बात, कोई बात नहीं, मैं समझा ये। अभी उमर इतना खुश हुआ होगा ना, देखो अंडा, देखो अंडा, देखो अंडा आ गया। उमर ने आगे से कहा यार, एस्टीमेट नेवर अंडर एस्टीमेट द फ्रेशमेंट का बजट होता तो हम क्या मंगवाते, अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला। सही पहुंचे। आइए जी नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। लोग घर से निकलते हुए कौन सी चीज बंद करना भूल जाते हैं? पंखा, लाइट्स या टीवी? लाइट्स। आपका भी जवाब लाइट्स है। दिखाइए अरवाई लोग क्या, ये गलत है, ये गलत है, ये वोटिंग गलत है। सर्दी में तो पंखा चलता ही नहीं ने, आप बताएं। बहन कराची में आती है, 2 महीने की सर्दी मैंने कोट पहने थे। यार ये लोग कौन है पहले ये पता यार, सॉरी, लाइट चलती भी नजर आ जाती है, पंखा भूल जाता है इंसान। अगर उसमें
अगर पंखे में आवाज आ रही हो, अगर पंखा आवाज वाला और टेक्निकल हो जाओ तो यस ओके। आप लोगों के ड्रामों की रेटिंग ऐसे ही नहीं आती, बड़ी रिसर्च है इस चैनल की। मेक सेंस, यस ओके। ये भी क्या करूं, ये क्या कर रहे हैं, बेईमानी तो नहीं है तुम लोग? नहीं नहीं, हम क्यों बेईमानी करेंगे, बेईमानी कभी ये मैं उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए हैं, हम तो ये दूर दूर रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, इज्जत एहतराम, बेईमानी कभी पूछती नहीं है। ओके जी, आइए दिखाइए नेक्स्ट सवाल। अपनी सीवी में अक्सर लोग क्या झूठ लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस या हॉबी? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मेरे से पूछा ना। एक्सपीरियंस, हाँ भाई ये ठीक है, ओ लेवल्स के बच्चे बैठे। हॉबीज, 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 हॉबीज के साथ जाना चाहिए। एक्सपीरियंस, वी हैव सेड इट, हॉबीज। मैंने तो भाई एक्सपीरियंस गलत लिखा था, व्हाट की मेरे भाई ने लिखा अपनी सीवी में रीडिंग, मैंने कहा झूठे। एग्जैक्टली, हॉबीज, हॉबीज, मैं अपने भाई की सीवी में, आप लोगों ने तो हमें फेस बोल दिया, वी आर गुड विद दैट। एक्सपीरियंस और ये कह रहे हैं मैं ARY लोग क्या कह रहे हैं? ओके, अब बोलो, मैं तो हॉबीज, या हॉबीज में रीडिंग, स्विमिंग, गोल्फिंग, डॉल्फिन, सब कुछ लिख देते हैं। मेरा ख्याल है वे क्लियरली द विनर्स। एक आखिरी सवाल करने के बाद मैं गिनती करती हूँ कि देखते हैं कौन कितने पानी में है। लाइए दिखाइए अगला सवाल। शादी में खाने की मेज से सबसे पहले क्या गायब होता है, चम्मच, ग्लास या रायता? रायता, रायता नहीं, ग्लास टूटते हैं बेटा। चम्मच, चम्मच, रायता नहीं मिलता सच्ची में। रायता तो लाल आके देते रहते हैं, डालता ही नहीं हूँ रायता। लोगों ने बताया, आपने नहीं? चले जी, काउंट करें। ओके जी, अभी क्यों करें, अभी क्यों करें? हाँ हाँ, खत्म खत्म, हार गए बाकी। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस नौ कोई बात नहीं, और वाटर कूलर से पानी पिला देते। ये बड़ा वाला पंखा इनका हुआ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे इसी एनर्जी के साथ, जिस तरह ये गेस्ट एनर्जाइज कर रहे हैं आपको मस्ती मजाक करके। एक और गेम तैयार है इनके लिए, ईद मुबारक पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। कौन साइन करेगा इसे? छोटी है, संकी है, ओवर इमोशनल है। जान ले लूंगा इसकी, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मशहूर मॉडल अदाकारा ज़ारा खान जिनका कत्ल कर दिया गया। तुम क्या समझ रहे थे कि ज़ारा का कत्ल करके तुम बच निकलोगे? ये झूठ है, ये सच है, यही कातिल है मेरी बहन का, किसी ने मारा है उसे। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज हमारे पास जो एनर्जेटिक गेस्ट मौजूद हैं यहाँ आपके साथ, ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हमने उन्हें उलझा दिया है भाई। अब जो क्योंकि हम गेम शो कर रहे हैं और क्योंकि हम ये वाली आपको जो आप सोते रहते हैं घर में, आपको उठा के हमने यहाँ बुलाया है, तो मैं आपको बिठा के गप्पे नहीं मार सकती, खाली खड़े करके गप्पे मार तो इसलिए ये देखिए, ये आप बच्चे देख रहे हैं, आप लोगों का अपना बचपन, वो जो बातें आप याद कर रहे थे, वो जो 10 रुपए के नोट मेरे दिल में एक थोड़े छोटे हो गए। बिल्कुल, देखिए आप जज नहीं कीजिएगा, ये है वो 10 रुपए जो आपके मामू यार, आप कह देते थे बचपन में आपको 1000 मिलता है। आपने सही मोटिवेशन दी है गेम से पहले। बिल्कुल, सो बस आप उस वहीं पे चले जाएं, उसी एरा में चले गए, चला गया। लेकिन ये बच्चा इतनी आराम से नीचे नहीं आएगा उतर के, जब तक ये नीचे नहीं आएगा। नीचे भी होने जी, और ये देखिए इसको नीचे बुलाने का एक तरीका है, हाय ये देख रहे हैं आप, उई उई ज्यादा चल गया बच्चा। सो ये इसी तरह एक एक स्टेप आप लोगों को, आप लोग अब आप लोगों का शुमार उनमें होता है कि घर के कोई काम कोई कहे तो दे जरा, है ना? नहीं करते, तुम्हें याद नहीं अगर कोई कहे शो पे काम किया था? क्या बताएंगे ना, हम याद दिलाएंगे कि हमने ईद के शो पे काम किया था। नहीं, अगर घर में कोई कहे जाओ उमर डबल रोटी और दही लेते आओ, आप कहेंगे अम्मी आप मुझे क्या ले यार, ये लोग कितने अजीब से लाएंगे, लेके डबल रोटी जाओ बेटा, हलीम के लिए दालें लेकर आओ, जाओ बेटा 2 किलो सब्जी लेकर आओ अम्मी।
ऐसे ही होता है, अभी भी ऐसे ही होता है। इनको कहा जाएगा अली भाई यही करते हैं, क्या बच्चे बच्चों के डायपर्स लेकर आओ। तो क्या हो गया, क्या हो गया उसके? तो सर आप आदि हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी टास्क कंप्लीट। आदि नहीं मैं अली हूं, प्लीज। किसी को देर में समझ आया होगा क्या? आप तीनों भी अम्मी को ये कहती होंगी ना, अम्मी हम थके हुए हैं, शूटिंग की हमने इतने पूरे पूरे बोलती नहीं। अम्मी बेचारी अब खुद ही बोलना बंद कर दिया उन्होंने। तो अम्मी हो आइए, ये अम्मी आपके बच्चों से बदला लेती है। आप बताएंगे ना हमें क्या करना? जी मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल मिलकर ये टास्क पूरे करने हैं आपने। नहीं क्यों, अलग अलग नहीं, मिलकर। ये तीन केक हैं और इन तीनों केकों को आपने सजाना है तीनों ने मिलकर, जैसे मर्जी। एक टावर केक बनाना है, जैसे मर्जी, जैसे मर्जी आपके मुताबिक। जैसे ही आपका टास्क कंप्लीट होगा उस नंगे बच्चे को नीचे आप करेंगे। अच्छा एक मेरा एक छोटा सा, हर टास्क पे नीचे करना है, हर टास्क पे एक सीढ़ी हटेगी और वो नीचे आ जाएगा, जिसका बच्चा सबसे पहले क्रॉलिंग के फेज में वहां जल्दी कवर हो जाएगा नीचे तक पहुंचा, वो ईदी आपकी। अच्छा अगर हम इसको सजाने में लगे और वो उन्होंने वैसे वैसे छोड़ दिया रहो तो फिर देखिए, खाली सजाना नहीं है, केक सजा कर फिर उसके बाद आपने कहा था ये बंटियां लगाना आती है, मैंने इनकी सारी बातें पिक की और यहाँ मेहंदी लगाएंगे। हाँ बोलो, केक अपनी मर्जी से सजाना या अपनी मर्जी से सजा के उसको? ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत अच्छा एंड में बोले कि जिसका अच्छा सजा हुआ है। नहीं बस टास्क कंप्लीट है ना, बस जल्दी। ओके अच्छा, चूड़ियां और अगर हमने फौरन कर लिए तो हम नेक्स्ट टास्क पे चले जाएंगे। यस वो करने के बाद, वो करने के बाद चूड़ियों के बाद अजारबन सलवार में, देन एनवेलप, ईदी के एनवेलप तैयार करने, 50-50 रुपए के 10 एनवेलप तैयार करने। सुन लो टास्क करने। अच्छा एक और मुझे बस बता दे, चूड़ियां जो आप कह रही बनानी है इसकी कोई सेम कलर करना है या फिर कोई भी किसी तरह में बना सकते हैं? एक को ब्लू पहनाए, एक को पिंक पहनाए, लेकिन एक ही कलर की चूड़ियां, एक ही कलर की उसमें बना। रेडी है आप लोग? ओके रेडी। अच्छा अभी मैं तो रेस्ट कर रही हूँ, आप लोग जरा स्टार्ट। लड़कियां कितना प्यारा बना रही हैं वैसे, और लड़के बहुत डिफरेंट बना रहे हैं, मतलब यूनिक। हो गई, अच्छा चलो, ओके ओके ओके। यार लड़कियों को तो आता ही है काम, हमें आता ही नहीं है यार। ये रहा ये देखे कितने कितने? पांच पांच पांच। ये आप लड़कों का केक चेक करें भाई। ये देखें, ये आप लोग पहले क्या बेकरी काम करते थे, इतना अच्छा केक कैसे बनाया आप लोगों ने? क्रिएटिविटी। देखो वो केक अभी तक यार बड़ा अच्छा केक बनाया है ना। नहीं इनका भी केक बड़ा अच्छा है भाई। थैंक यू। उनका केक गिर जाएगा, टेढ़ा है पर मेरा है। मेरी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ नाजरीन, सबको छोड़े इस सीट पर उमर शहजाद, अली अब्बास और उसामा खान ने जो कर डाला है पाकिस्तान का नाम ऊपर किया है इसने। खबरदार जो किसी ने इनसे मेहंदी लगवाई। यार ये आप प्लीज ये हाँ ये देखिए क्या वी वॉन्ट। यार क्यों निकाल यार ये से बात, यार तुम लोग जीत गए हो यार। इस वाले गेम में मैं ना कूलर दे रही हूँ, ना वॉशिंग मशीन, ना पंखा, क्योंकि यहाँ बच्चे कि कड़क 10-10 रुपए के नोट मिल गए। लड़कियां जीती है इस गेम में, आइए देखते हैं कि अगले वाले गेम में लड़के जीतते हैं कि लड़कियां। गुड मॉर्निंग, देखिए भाई मिनटों में हमने अपना सेट चेंज कर दिया, दरवाजे यहाँ हैं, हमारे गेस्ट यहाँ हैं,
और एक बहुत मजेदार एक्टिविटी हम आपके साथ अगली एक्टिविटी करने वाले हैं, और वो ये है, इस गेम शो में होगा ये कि ये दरवाजे हैं दो, आप तीनों में से लाइक अलग अलग टीम के बारे में बता रही हूँ, आप तीनों में से एक कोई शख्सियत ऐसी होगी जो शॉपिंग करके थैले हाथ में भर के दरवाजे के उस पार बैल बजा रहा होगा, क्योंकि उसके पास चाबी नहीं है, आपने हेल्प करनी है, ताला लगा हुआ है घर पे, ये जो इतने सारे 50 मटके हैं इनमें से कोई 10, भाई मानी नहीं करो, 10 मटके ऐसे हैं जिसके अंदर चाबी है, उस चाबी वाले मटके को आपने तोड़ना है और उस चाबी को आपने अपने साथी तक पहुंचाना है, उसने ताले में चाबी लगा के देखनी है, खोलना है, जो जल्दी इस घर में शॉपिंग के थैले लेकर एंटर हो गया वो जीत जाएगा ये गेम। आप तीनों में से कौन ज्यादा शॉपर? मैं इसको बता दूंगी, मैं तो किसकी शॉपिंग करते हो, मत जो कमाते हो शॉपिंग में निकाल देते हो? नहीं नहीं, तो मेरा आई थिंक जो कमाता हूं उसमें 30% शॉपिंग पे है। और आप अली? मैं जो कमाता हूं उसमें से 50% शॉपिंग। और आप? चीजों से ज्यादा खाने पीने पे ये कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन अच्छा क्या आप लोग बार्गेनिंग करते हैं जाके? हाँ, या महंगा खरीद के आ जाते हैं? नहीं नहीं, हाँ उमर मैं तो ज्यादा ही देखे आ जाती हूँ, मुझे जो ये आगे आया ना अभी। हाँ, क्या? हाँ। एक एक करके पूछती हूँ, उमर आप बार्गेन करते हैं पठान भाई के पास जाके? 100 का नहीं 50 बार्गेनिंग करता हूँ मैं ज्यादातर, जैसे शॉपिंग मेरी उसी वक्त होती है जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ अपने। अच्छा, तो उनसे बार्गेन कैसे करते हैं? उनसे बार्गेनिंग हो नहीं सकती, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। फिर भी कोशिश करते हैं। आप करते हैं? कब कराते हैं पैसे? नहीं नहीं, कम नहीं कराते पैसे? नहीं, मेरी बीवी कराती है, मैं नहीं कराती। कितनी पैमाने कर रहे हो बेटा, 10 चाबियों में से कोई एक चाबी उस ताले? बिल्कुल, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि ये गल्ले टाइप जो मटके हैं ये बचपन के बाद आज देखे हैं, तो मैं उसको फील कर रहा हूं। देखिए, उन्होंने देख भी लिए सर, हम उसी जोन में हैं, उन्होंने बचपन वाले जोन। उसामा, आप जो हैं वो पैसे कम कराते हैं कि नहीं? बहुत बहुत, बिला वजह वाली जो आदत होती है ना, मजा आता है बार्गेन कराने में। मतलब मुझे आदत है, मुझे शौक है कि नहीं यार थोड़े से। हाँ, नहीं यार, तो फायदा होता है इस शौक से कोई? हमें कुछ खरीदना होता है, वो सामा को ले जाते हैं, हम कहते हैं आजो। तुम्हारे घर में जब से तुमने कमाना शुरू किया है तो सबसे ज्यादा चीज तुमने क्या जमा की है? जूते, पर्स या कपड़े या ज्वेलरी? कपड़े और जूते। या मेकअप? हाँ। नहीं, मेकअप की इतनी मैं शौकीन नहीं हूँ। कपड़े और जूते? कपड़े और जूते। और नाजिश, तुमने क्या सबसे ज्यादा चीज जमा की? I told you, many bedsheets. I have interior 58 bedsheets. This year. 58 bedsheets. This year you bought 58 bedsheets this year. Yes. Oh my God. कितने महीने हुए? 3 महीने। हाँ। नहीं तीन, हाँ 3 महीने में तुमने? नहीं नहीं सॉरी, लास्ट ईयर। अच्छा सॉरी, मैं आई वाज ऑन टू समथिंग एल्स। मैं सबसे ज्यादा बुक्स खरीदता हूँ। कपड़े खरीदने के लिए जाता हूँ तो मैं बुक्स ज्यादा खरीद के ले आता हूँ। आप घर आए, आई हैव अ होल लाइब्रेरी। अगर आपने कभी अच्छी किताब भी पढ़नी हो तो ही कैन सजेस्ट यू। वाओ, वो जबरदस्त। आज मुझे ये बात नहीं पता चली आपके बारे में। हाँ जी, तो तुम्हारे घर में बेडशीट है, इसके पास जूते और कपड़े, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। मेरे पास माँ है और ज्वेलरी। ज्वेलरी है वो गोल्ड वाली के 18 साल की हुई तो अम्मी ने सोने के झुमके दे दिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी, कुछ मतलब आर्टिफिशियल भी, इयररिंग्स मेरे पास बहुत सारे इयररिंग्स हैं, लाइक आई हैव अराउंड 150 आपके पास बुक्स है? बुक्स और जूते। मुझे जूते, आपको जूतों का भी शौक है? और आपके पास क्या है? टी-शर्ट्स, जिम वेयर एंड शूज। एब्स? ये मेरे पास एब्स है। उमर के पास एब्स है, किसी के पास नहीं है। उबले हुए अंडे, एक अंडा है। ऑयल एग्स। हां, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब लाइक अभी तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, मेहनत मुशक्कत की कमाई है हमारी, आपको नहीं पता हम कितनी मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत। सो क्या बताएं, जब
जब आपके दिल में अरमान थे, जब आप कुछ कमाते नहीं थे, आपने क्या सोचा था सबसे पहली कमाई से ये खरीदूंगा? हाँ ज़ैनब, तुमने क्या सोचा था? गाड़ी। नाजिश? क्या मुझे ट्रैवल करना था? हाँ। मेरा तब से ही था कि जैसे ही मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे जमा हो गए, मैं बहुत सारा ट्रैवल करूंगी, तब से ही था। तुमने क्या सोचा? मैं यही सोच रही थी जैसे कि मैंने क्या सोचा। याद भी नहीं है, मैं तो अभी भी सोचती रहती हूँ अब क्या लूँ, अब क्या लूँ। क्यूट। अब क्या लूँ? तुम्हारी कोई ख्वाहिश थी उस वक्त कि मैंने ये पूरी करनी है? ट्रैवल हाँ। और गाड़ियों का शौक था, तो मुझे गाड़ियों का और ट्रैवल, मैंने दोनों अलग शुरू करा। ओह माशाल्लाह। हाँ अली, मुझे शुरू से शौक रहा है कि मैं अपना घर बनाऊँ, वो तो अभी तक चल रहा है सिलसिला, वरना मुझे गाड़ी का शौक शुरू से आज तक है कि मैं अपने पैसों से अपनी गाड़ी, नहीं अपने पैसों से खरीदी है जो है वो भी, लेकिन चेंज करते रहे, चेंज करने का। मुझे एक्चुअली एसयूवीज बहुत अच्छी लगती है, तो वो आज तक मैं वही खरीदने की कोशिश में लगा हूँ। इंशाल्लाह जरूर, मैंने कहा ना आपको रोज देखते तो कुछ तो फायदा होगा ना। तो आपने क्या खरीदा, आप सोच लिया? आपने सोचा क्या? हमेशा से ही सोचा घर का ही, घर अपना हो, घर बनाए। जब आप नहीं, मैं बात करी तब उस वक्त की, जब आप कमाते नहीं। देखिए उस टाइम पे फिर इनिशियली अगर स्टार्ट करें कि भाई पहले जब पैसे जमा करके मैं शूज ले लिया करता था, इस तरीके से मुझे बाइक का शौक था, बाइक भी ली, ठीक है ना, उसके बाद फिर गाड़ी, तो इस तरीके से यू नो कि ऑब्वियसली जरूरतें इतनी ज्यादा होती हैं, फिर आपकी एक लिस्ट होती है, फिर वो अल्लाह ताला जितना पूरी करता है, जब जब आपकी नीयत आपकी अच्छी हो, साफ हो, और बस फिर कभी कोई मेहनत से कमाई हुई पैसों की जो चीज है वो चोरी हुई, गायब हुई, गुम हुई, क्या गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ? क्या घड़ी? घड़ी, मैंने कहा गाड़ी चोरी हो गई? नहीं नहीं, घड़ी मेरी स्मार्ट वॉच थी, ओए होए, और फॉसिल की, इट वाज अ 45,000, और वो ऐसे गायब हुई है ना, शूट-वूट से? हां शूट से। आपकी कोई कभी चीज गायब हुई? मेरे में स्नैचिंग हुई थी, फोन मेरा नहीं कहे, फिर दे दिया था फौरन, एक आधी गाली भी निकाल दी थी, फिर मुझे यकीन था कि अब मुझे गोली मार देगा, लेकिन पता नहीं क्यों उसको तरस आ गया, मैं अल्लाह जान तौबा छोड़ दिया। आप मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, अच्छा कुछ वो मिसहैप हुआ, तो सही हो गई थी फिर? नहीं गाड़ी कहाँ सही होती है, फिर छोटा सा मिसहैप तो ना बोलना, मैं बताता हूँ हुआ क्या था। मैं हुआ ये था कि मैं सड़क पे ना लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होता हूँ, मतलब गाड़ी किसी ने क्रॉस किया कुछ किया तो मैं फौरन दिल करता है उसके सामने गाड़ी लगाऊं और मैं सुनाऊं उसको। तो वो उस तरह की हरकत हुई कि मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, एक लड़की ने यूं रिवर्स, पता नहीं क्या रिवर्स करने की कोशिश, उसने पूरा यूं दरवाजे के ऊपर ना स्क्रैच डाल दिया। अब लड़कियों से बंदा क्या बहस करे, फिर लड़की का, मैंने उसे कहा मेरे साथ चले शोरूम चले छोटा के, वो जो भी करेंगे वो आप पैसे दे देना। उसने कहा देखे देखे ओसामा आप ऐसी बातें तो ना करें, वहां पिघल गया। उन्होंने कहा वापस उस तरफ भी आए, इस वाले दरवाजे पे। हाँ जी सर। अच्छा माशाल्लाह से ना मेरी आज तक कोई भी ऐसी चीज गुम नहीं हुई है और चोरी भी नहीं हुई है। हाँ। गुमाती मैं बहुत सारी चीजें हूँ, मतलब कभी फोन रख के भूल जाऊंगी, कभी सिनेमा जाऊंगी फोन वहीं छोड़ दूंगी, बैग कैश का मिल जाती है। और अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज मेरे पास ऐसे पहुंच जाती है, शहर को कहीं लेके जाना। और ये ज़ैनब और सामा गवाह, हम लोग जब मॉल गए, गाड़ी पार्क की, हम लोग अंदर गए, सर क्या मेरा फोन कहाँ है, और जब हम लोग वापस भागे भागे गए तो दूसरी जो हमारी गाड़ी के बराबर में जो गाड़ी थी उनके पास फोन सहर, मैं डिग्गी के ऊपर, हमने आपकी डीपी देख ली थी, आपको पहचान गए, इसलिए रख लिया। अच्छा इसने रखा और इस हम बातें करते करते हम निकल गए मॉल में, शहर कहती है मेरा फोन नहीं मिल रहा, मैंने कहा अंदर ही होगा, कहाँ होगा, नहीं मुझे लग रहा है मैंने डिग्गी में रखा। और हम वॉक करते हुए आ रहे हैं, चलो हम निकाल लेंगे, आए तो बंदा है खड़ा हुआ था, कहते ब्रो आप फोन तो नहीं देख रहे? मैंने इसलिए रखी कि इनकी डीपी थी और हम पहचान गए थे उनकी डीपी में, तो अल्लाह का शुक्र है मेरी चीजें ना हमेशा कहीं पे भी घूमे ना वो वापस मिल जाती है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं मेरा भी कराची में फोन घुमा था, इवन कल 6 दिन बाद उस बंदे ने मुझे कह दिया कि यार देखो ईमानदार लोग हैं भाई। अच्छा इवन कल मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं सांबा से वापस आई थी, तो मैं ना फोन रख के अंदर चली गई, तो पीछे से वो एक लड़का भागता हुआ आया कि ये आपका फोन है, और मैंने यूं सर पकड़ लिया, मैंने कहा अगर मैं चली जाती उड़ जाता प्लेन। फिर मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया, मैंने कहा अल्लाह थैंक यू सो मच, आप हर दफा मेरी चीजें मुझे वापस देते, कहते हैं अब तो अक्ल खा ले, मगर मैं अक्ल नहीं खा।
तुम्हारी नाजिश कभी कोई हुआ है ऐसा नुकसान? मैं बहुत कम चीजें चोरी हुई हैं, मेरी इतनी सी होती नहीं है, लेकिन रिसेंटली मैं 10 सालों से एक अलग वाला लॉकेट पहनती थी, हाँ। वो चोरी हो गया। कैसे? वो काइंड ऑफ मेरी फैमिली में सबको पता था वो मेरा सिग्नेचर है, वो कभी नहीं उतरा मुझसे, तो मैंने बस वो उतार के रखा और मुझे दोबारा नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, वो मेरे पैसों का नहीं था, वो अम्मा का दिया हुआ। अल्लाह यार, ये तो मैं तो कोई 3 दिन तो सोग में ही रही हूँ, पता नहीं वो जिसने भी उठाया बहाल ये। मैं तो सारी that was a really जो ये सारी चीजें मैं तो उतार के रखती हूँ, नकली पहने में सब। प्लीज वापस दे दें। हाँ यार, अम्मी का था। कराची बोथ। अम्मी का था यार, अम्मी का था। मेरी माँ की एक आखरी निशानी है वो मेरे पास। पिक्चर शेयर कर देंगे आपको बहुत जल्द। और तुमने क्या बताया? मेरी कभी कोई चोरी? तुम्हारी कभी? ये बची हुई है जी। तो लड़कों, कौन जा रहा है शॉपिंग के लिए? मैं ये बुक्स लेने गए। मैं बुक्स लेने के लिए जा रहा हूँ। बुक्स की शॉपिंग करने जा रहे हैं आप? और यहाँ जैनब। अच्छा, चलो। ओके, तो आप लोग रेडी हैं? मैं आपको बता चुकी हूँ क्या करना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लड़के कभी भी लड़कियों की जीत को क्यों नहीं मानते? लड़कियां, तुम्हें क्या चाहिए? कूलर चाहिए, तुम्हें वॉशिंग मशीन चाहिए, पंखा चाहिए, क्या चाहिए? जूसर चाहिए, क्या चाहिए? वॉशिंग मशीन। यार जूसर तो ले चुके हैं, ये लो वॉशिंग मशीन लड़कियां तुम्हारे लिए। और इसी वॉशिंग मशीन के साथ आइए चलते हैं ब्रेक की तरफ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। अभी हमारे जो गेस्ट हैं वो थोड़ी देर में उड़ने वाले हैं। और ये देखिए, ये हॉट एयर बलून में कभी आप लोग बैठे हैं जिंदगी में? जी जी। हाँ, हॉट एयर बलून राइड में बैठे? आप इस पीक सर्दी में गए? और एक्टिविटीज बंद थी। हाँ, वो तो जब बहुत विंडी होता है तो आप हॉट एयर बलून में नहीं बैठ सकते। हाँ, तुम्हें लगता है ऊंचाई से डर? कभी कभी। कभी कभार लगता है? जैसे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, पहाड़, पैराशूट? इस तरह से नहीं, ऐसा है कि अगर सीढ़ियाँ में चढ़ रही हूँ, बहुत जो रिंग वाली जो बनी होती है सीढ़ियाँ, उस पे चढ़ते हुए मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, इस तरह का होता है। या कभी कभी लिफ्ट में, इससे ही। आप लोगों को कोई फोबिया है? आप लोगों को कोई फोबिया है, कोई डर, कोई खौफ, कुछ है? मुझे 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 नहीं, मुझे एक अजीब सा फोबिया है। मुझे ऊंचाइयों से तो डर नहीं लगता, ऊंचाई से उतरने से डर लगता है। अच्छा, मतलब मैं सीढ़ी उतर नहीं सकता। आप सीढ़ी से उतर रहे हो, जहाज लैंड कर रहा हो या सीढ़ी बहुत लंबी सी, अगर आप देख रहे हो तो उससे होता है। इसे भी कहते हैं, आपको लगता है जैसे लुढ़क जाएंगे, गिर जाएंगे? नहीं, मतलब ऊंचाई पे खड़े होके तो नहीं। कहंदे ने आहो, तैनू पता है हाइट फोबिया ये होता है, हम ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो हमारे हम नहीं देख पाते, हम पीछे हो जाते हैं। लेकिन नाजिश, आपको नहीं लगता कि ऊंचाई पर इंसान अकेला रह जाता है? तो अपना डर खत्म कर जाएंगे। अली अब्बास के पास इतना मवाद कहाँ से आता है? देखिए भाई, अब कोई ड्रामा नहीं हो रहा, ये बहुत मस्ती हो रही है, बहुत मजा हो रहा है। और आज ईद का दिन है, कैरेक्टर से बाहर चले गए थे। देखिए, ये जो इतने प्यारे से गुब्बारे हर ईद पर घर के बाहर अपार्टमेंट के नीचे गुब्बारे वाला लेके खड़ा होता है, वो मेरे सेट वालों ने हॉट एयर बलून बनाया। मैं आपसे बहुत ही मस्ती भरे सवाल, मस्ती भरे भी नहीं बल्कि कॉमन सेंस वाले सवाल करूंगी। सो अगर ज्यादा कॉमन सेंस इधर होगी
तो जो है आपके बलून बच जाएंगे, अगर ज्यादा कॉमन सेंस इधर होगी तो बलून आपके आपके बच जाएंगे। अगर इन्होंने गलत जवाब दिया तो आपको पूरा हक है कि आप इससे इनके हॉट एयर बलून जो कि नहीं है हॉट एयर को बाहर निशाना नहीं लगा गलत जवाब दिया तो आपको भी पूरा हक है कि जाके सिर्फ एक गुब्बारा सिर्फ पहला सवाल वो कौन सी चीज है जो हमें पढ़ने में मदद देती है, ना कागज है ना पेन। चश्मा सिर्फ एक। ओके, वो कौन सी चीज है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? चिड़िया? नहीं नहीं रुको, उमर आग, धुआं 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 छोड़ दो। देखो हमने तुम्हारे साथ बहुत काम किया है। देखो बात सुनो, वो कौन सा जानदार है जो अंडे और दूध दोनों देता है? दुकानदार। आप भी थे ना, आपको क्यों नहीं याद आया? मैं बोलने लगा था, उसने बोल दिया। आपको क्यों याद नहीं आया भाई? अगला सवाल, वो कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? सोच। कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? ना चीज। वो कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? जो धोने से गंदी हो जाती है। साबुन। साबुन 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 करीब हो। साबुन शैम्पू तो गंदा नहीं। साबुन वाइपर कपड़े झाड़ू नहीं। पानी पोछा पोछा नहीं। पोछा पानी बहुत अच्छे। ये पानी वेस्ट हो जाता है ना, जैसे आप गंदा हो जाता है। वो कौन सी भारी चीज है जो ऊपर से भी गुजर जाए तब भी आपको कुछ नहीं होता? जहाज। जाओ कंप्लीट तो होने दे। क्या मतलब आपने भी कंप्लीट होने दी? थोड़ी सा दूध वाला। ये क्या कह रहे हो काल के हाथ से? ओके जी, नेक्स्ट सवाल, वो कौन सी चीज है जिसमें पूरे समंदर का पानी भी भर दो मगर फिर भी नहीं भर सकते? समंदर का पानी भर दो मतलब इतना पानी भर दो फिर भी नहीं भरा जा सकता उसे? टैंक। किचन में होती है वो चीज? नाली। अक्सर अम्मी कहती है जब अकल की बेवकूफी की बात। यार मैं खुद खेल लेती हूं यार, शर्मिंदगी के लिए चाय बनाता हूं भाई। वैसे है कॉमन सेंस के सवाल। आप ये बात नहीं मानती कि लंबों की अकल घुटनों में होती है? नहीं होती भाई। कितने सारे सब जवाब दे रहे हैं भाई, मैं ही नहीं मानती अब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अमजद और असलम दो दोस्त हैं। अमजद की मुर्गी ने जाके अंडे असलम के घर दे दिए। अच्छा, तो अंडे किसके हुए? अमजद के। मुर्गी के। मुर्गी के। जाओ तूने लिखने भी शुरू कर। वो आप बायो में चले गए। वो कौन सा काम है जो बेटा करे तो बुरा, दामाद करे तो अच्छा? शादी। ये चीज ये मैंने बोला बेटी बेटी नहीं है, बेटी का ख्याल शादी नहीं है। वो भाई को नहीं होता शादी मतलब बेटा करे तो बुरा और दामाद करे तो अच्छा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नहीं कुछ बीवी की गुलामी बीवी की बीवी की है ना। जाओ नहीं, जोरू का गुलाम। शादी इज कनेक्टेड टू जोरू का। बेटा करे और बेटा जोरू का गुलाम बने तो बुरा। बंदा ना मार देना। और बेटा अगर दामाद करे तो अच्छा, तो खुश होती है। हाथ मेरा फट। गुड गर्ल। देखा है, छोटी सी काम करेगी बड़े बड़े। जोरू का गुलाम।
बड़ा लंबा जवाब था, हमने जोरू कह दिया था सीधा सीधा। गुलाम तो मतलब है, फैक्ट है वो तो, मर्द के साथ गुलाम वैसे ही ऐड हो जाता है हम। ओके अगला सवाल, वो कौन सा लफ्ज है जो बंदा बोले तो गुस्सा खत्म और डॉक्टर बोले तो बंदा खत्म? सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं उसामा ने बोला, लड़की लड़की लड़कियों की, नहीं नहीं उसामा ने बोला, उन्होंने बोला था। कौन से वाला जल्दी बता रही हूँ, कितने कैमरे लगे, किससे छुपोगे? ये दम है, दम है। ओके अगला सवाल, वो कौन सा डर है जो औरतों को खूबसूरत बनाता है? बुढ़ापा। बुढ़ापे का नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि वो बोटॉक्स करा रही है। बुढ़ापा, शीशा। नहीं, वो कौन सा डर है जो औरतों को खूबसूरत बना देता है? बुढ़ापा। नहीं नहीं, वो डर जवानी का, तो बुढ़ापे का बुढ़ा तो है, मुझे लगा वो अलग अल्फाज़ों में। कौन सा डर है जो लोगों को, औरत को खूबसूरत? हार माने? नहीं नहीं, शौहर का। नहीं शौहर का, बताइए चले बताइए क्या हम गलत बातें करते हैं। शौहर मुंह धोने का पाउडर, मुंह धोने का करीब करीब पाउडर 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 डर है जो औरत को खूबसूरत बना देता है, पाउडर। ओके अगला सवाल, ओके अगला सवाल, अगला सवाल, एक हाथी एक घंटे में कितना पानी पीता? एक हाथी एक घंटे में एक किलो गोश्त खाता है, तो दस हाथी एक घंटे में कितना गोश्त खाता ही नहीं? हाँ, गोश्त नहीं खाता। बात खत्म। जा मेरे लाल, जा। यार तुम लोग चुप बैठ। लड़कियों में कभी कभार ज़हनब पे चलता है। अच्छा अगला सवाल ये है कि वो कौन सी इजाद है जिससे आप दीवार के पार देख सकते हैं? खिड़की। वो इधर से ही मारने चाहिए, मेरा ख्याल है इनका हॉट एयर बलून आ गया नीचे, लैंड कर गया। अच्छा वो कौन सी चीज है जो आप तो कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो चीज आपकी है? हम लोग नहीं है, नहीं। वो कौन सी आपकी चीज है, आपकी चीज है जो लोग इस्तेमाल ज्यादा करते हैं? दिमाग खा गया मेरा। आप कम इस्तेमाल? दिमाग नहीं, दिमाग खाते हैं, दिमाग दिमाग मतलब इस्तेमाल नहीं करते। हम भी करते नहीं, हम बार बार कहते हमने नहीं खाया। खाते हैं आप जो लोग इस्तेमाल करते, जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आप कम इस्तेमाल? आंखें? नहीं। नाम नाम नाम, जाओ दोबारा फाड़ो। शुक्र है यार, बच्चे का नाम, बच्चे का यार, इसके बच्चे हैं ना, उसको तो पता है। Zainab, you spoke too soon. Oh my god, नहीं वैसे बात है कि नहीं, क्या दिया है आपने ये शॉट्स? दो मोर हाई स्पीड शॉट चल रहा था यहाँ पर ही, वो हाई स्पीड शॉट सिर्फ इसका था जो इसने किया था, वो होता है। चलो भाई आखिरी सवाल, वो कौन सी चीज है जो आप चाह के भी लंच और डिनर में नहीं खा सकते? लंच और डिनर में नहीं खा? ब्रेकफास्ट। मैंने बोला अंडा। कैमरे में पैसे ले लेते सारे ही, इस बार में तीन। दो गेम्स लड़कियां जीती अभी तक और दो गेम्स लड़के जीते हैं, आगे आने वाला गेम कौन जीता है, लेकिन इसमें लड़कों तुम लोगों को क्या चाहिए बताओ? वाटर कूलर, पंखा, इस्त्री, जूसर। जूसर जूसर दे, जूसर यस, वी वांट जूसर। नहीं जूसर नहीं दिया तुमने, नहीं लिया, जरा मैं उनको जूसर ले जाती हूं। भारी तो नहीं है आपका जूसर? इसमें खूब जूस निकालिएगा और भेजिएगा। थैंक यू सो मच जी, हम जा रहे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, इसी तरह यही एनर्जी यू ही रहेगी, कहीं नहीं आपने जाना, आपकी ईद का मजा दोबारा करने वापस आ रहे हैं। लड़के और लड़कियों के स्कोर अभी बराबर हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वो
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारे मेहमान ये कह रहे होंगे आइंदा तो हमने कभी नहीं आना निदा के पास, मैंने इनको सोफे पे बैठने ही नहीं दिया। मतलब जब से आए हो तुम लोग खड़े हो, मैंने कहा इतने अच्छे कपड़े पहने हैं कैसे बैठने दूँ, नज़र आने चाहिए एक एक एंगल से। दो गेम्स अभी तक लड़के जीत चुके हैं और दो गेम्स अभी तक लड़कियां जीत। अच्छा, इक्वल चल रहे हैं। हाँ, अभी तक किसी ने कूलर जीता है, किसी ने जूसर जीता है, किसी ने वॉशिंग मशीन, और किसी ने क्या जीता है, बस इतना ही जीता, याद नहीं बस। सो हाँ, दो लोगों ने जूसर जीते। सो अब ये वाला गेम फाइनल रिजल्ट बताएगा कि एक्चुअली आज का विनर कौन है, ठीक है। इस गेम में जो अब हम खेलने वाले हैं होगा ये कि जोड़ीदार यहाँ है, और जब मैं आपको दिखाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको मक्खन दिखाया तो यहाँ बहुत सारे और जोड़ीदार हैं जिससे आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं वर्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दाल दिखाया तो यहाँ पे चावल है, तो दाल चावल अगर आपको आता है तो ऐलान नहीं कीजिएगा पहले। Okay. सात बटन्स, ओके, लाइट के सात बटन्स एक साथ दबाएंगे, मतलब लाइक दबाएंगे उससे मुझे पता चल जाएगा। ये तो छह बटन्स है। अच्छा, छह दबाएंगे। छह के छह, चलें। हमारा ये गायब है। मैंने कहा शायद हमारा नहीं है, कंफर्म कर लें। सात, क्या क्या, ये तो छह है भाई। छह। आप लोग रेडी हैं? ओके, आप लोग रेडी हैं? सबको दबाएंगे। पुलिस का जोड़ किससे लगता है? पहले मैंने दबा दिए। क्या गलत हुआ ना, अगर तो पॉइंट्स माइनस भी हो सकते हैं। पुलिस चरंगी? नहीं नहीं, सॉरी, मतलब ये इस तरह गेस करते रहेंगे तो फिर तो एक गेस होना चाहिए। आपके नहीं, पुलिस का मतलब मोबाइल है, ये मोबाइल, पुलिस मोबाइल। तो आप टेलीफोन है मोबाइल। मुझे इसको मोबाइल ही बोलना था, मैंने पुलिस मोबाइल बोल दिया। हाँ, सही बोला है। थैंक यू। मोबाइल अब बोला उन्होंने, लाइट ला दी। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, मोबाइल बोला आपको। थैंक यू। ओके भाई, एक पॉइंट लड़कियों की तरफ। एक सेकंड, मछली। मैंने दबा दिया, हमने दबा दिया। नहीं, बोलो बोलो। मैंने दबाया। चार मछली? क्या चार मछली? नहीं नहीं नहीं, पानी 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 मछली, पानी मछली, पानी क्या वर्ड है? कहीं किसी से मछली लगे, रुके बता रहा हूं। अचार ही मछली, सालन जो होता है मछली, मछली घर का होता है। बाजार, मछली बाजार, मछली मछली बाजार। मछली घर का पानी। अब समझ में आई गेम, दाल चावल वाली बात। अचारी मछली क्या होता है? पानी। अच्छा यार, हम बचपन में खाते थे। अबे नहीं, मछली बाजार। ओके, ये क्या है? हाँ, अब मैं बताता हूँ। मैंने नागिन चौरंगी, बजा दबा दिया हमने। नागिन नहीं, यस यस, नागन चौरंगी, नागन चौरंगी, बजर दोनों ने बजाया हुआ था। नागन चौरंगी कहाँ है भाई? बोरी चौरंगी, बोरी बोरी, मैप के नीचे। मैंने बता, रोज वाटर, रोज वाटर, रोज वाटर, रोज वाटर। तो मैंने बता दिया ना, मैंने बता दिया ना, रोज वाटर। ये बोलना था, आपने बताना था, फिर सही नहीं है। हैं? बजर बंद करो, फिर दोबारा एक गुलाब जामुन बंद करो। गुलाब जामुन, गुड गाइस, बोरे जामुन जो है। अच्छा, अभी तक तीन बचा दो, बता चुकी लड़कियां। आप लोग बैठ सकते हैं, समझ गई। एक मिनट, कैसे जीत गए हो? तीन एक, टू टू जा रहा है। आप क्यों, लड़कियों ने तीन बताया, आपने एक। रेडी, गेट सेट, गो। ये हमारे यहां से खजूर है। मक्खन, वो चेहरा, वो चेहरा। अच्छा, मक्खन चेहरा? नहीं नहीं, मखनी, मखनी अंडी, मखनी, मखनी, मखनी अचार। नहीं नहीं, मक्खन अचार कहां से आ गया? हार मानी? नहीं नहीं नहीं, इट हैज हार मानी। पॉलिश, मक्खन मारना, पॉलिश। ओके लड़कियों, लड़कों देखो भाई, ये क्या है? गोश्त, अचार गोश्त। एक्शन रिप्ले के बाद मुझे पता चला कि लड़कियों ने पहले बजर बजाया। बजर बजाया पहली दफा से। अचार, अचार मछली से लेके अचार, अचार गोश्त भी दिख रहा था। ओके, रेडी, रेडी, गेट सेट, गो। बैंगन, बगारे बैंगन,
आप लोगों ने खुद ये तो गलत बात है। किसकी फेवरेट है? ये बजर बंद ही नहीं होता। अच्छा ये देखिए बजर अभी तक चल, बजर जो है वो तो चला ही सकते हैं। अच्छा आप इनको जवाब दें। अच्छा आप एक ओके रेडी रेडी ओके आपने देखे पूछना बोला कौन है? बोला कौन है? ये दबा के बोला मलाई बोटी। क्या मतलब? क्योंकि मैंने कहा कि मुझसे पूछे बगैर बोलना नहीं होगा। मलाई बोटी मलाई दही के साथ, मलाई मलाई के साथ दही और मैं बताऊंगी आप कहेंगी हाँ कि कौन बताए लड़कों को। यही तो मैंने बताया तभी तो बजर किसने पहले बताया उसके बाद बोल रहे हैं। डन 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 चलो से बजर बजाना। ओके रेडी गेट सेट गो। दोनों का साथ बजा बजर। कथा गाड़ी मैंने आपसे पूछा नहीं पूछा उन्होंने ये लो तुम लोगों का बात सुने आपने। ये पॉइंट हमें दे नहीं ऐसे नहीं हो सकता। ये पॉइंट हमें दे आपने इतने पॉइंट्स दिए जो रूल तोड़ा रूल तोड़ा अब भी बताया इतना टाइम लगा क्यों। रेडी है आप लोग? रेडी है रेडी है। दोनों ने एक साथ बजाया ठीक है ओके। एक मिनट इधर आओ जैनब इधर आओ। पुगम की पुगाई करो जो निकला वो पानी। अरे भैया क्या हो रहा है? मैंने के लिए चलो बताओ पानी पूरी पानी पूरी। यार ये पुगने पुगाने के ऊपर तो नहीं होना चाहिए। क्या करूं इतने बेईमानियां कर रहे हो। नहीं बेईमानी क्या है? मैंने गेस किया है। हां तुमने गेस किया तो मैं पता तुम्हें पता ही नहीं है क्या कभी कभी। नहीं नहीं मुझे नहीं नजर आ रहा था उसको पता था। ये चीटिंग है। नहीं नहीं ये सही था। यही सही रेडी ये इनका जल रहा है पहले से। नहीं नहीं चलो बंद करो अभी चला। रेडी कुछ रेडी रेडी गेट सेट गो। घंटाघर चार पे हैं आप लोग। हम सिक्स पे सेवन पे हैं। चल रहा है। रेडी रेडी गेट सेट गो। फिर एक साथ हुआ कितनी दफा पुगम की पुगाई करूं मतलब मैं करता हूं। हां करनी है आओ जल्दी 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 तुम बताओ मानी थी कर रहे हो। चलो तुम निकली बताओ बताओ। 5 4 3 2 1 फिर तुम लोग साथ में जा रहे हो। हाँ जल्दी बताओ क्या है, क्या 5 जो पहले बता देगा वो जीत जाएगा। 5 4 3 2 1 माइनस होंगे दोनों के पॉइंट सोच लो। नहीं नहीं बता रहे यार ये नमक की वजह है। इसका नाम भी तो बताएं। भंगड़ा कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? भंगड़ा ही कहते हैं। बल्ले 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 दही बल्ले दही बल्ले दही बल्ले दही बल्ले दही बल्ले यस कम ऑन कम ऑन बल्ले बल्ले सिक्स सिक्स ओके रेडी या आखरी है। 6-6 है। 6-6 है। रेडी इतना ऑब्वियस। रेडी हाफिज करें घर जाके बस बहुत हो गया। कितना हम लोगों को आप देखेंगे और इधर आओ सब लोग। प्यारी प्यारी लड़कियां इधर आ गया हो। हम यहाँ आ जाते हैं। तुम लोग कहाँ प्यारी लड़कियां? नहीं ना आपके सामने की प्यारी। चलो भैया अली क्या कहना चाहते हैं आप अपने फैंस को? ईद का मैसेज आप दीजिए और हम खुदा हाफिज करेंगे फिर आप सब लोग। ईद का मैसेज यही है कि जी बहुत अरसे के बाद हमें एक ऐसी ईद मिल रही है जो कि कोविड जिस पर इतना ज़्यादा भारी नहीं पड़ रहा। तो फिर भी ख्याल तो रखें बट ईद मनाएं अपनों के साथ मनाएं कदर करें अपने लोगों की और इज्जत करें और प्यार करें। और बस वक्त मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से गुजर रहा है इसको ज़ाया ना करें।
थैंक यू. ईद मुबारक. ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू. और आज हम जो जितनी पीछे चोरी हरकतें की उसमें हमें माफ कर. जितना हमारा काम एंटरटेनमेंट है, माफी तो मांगने की कोई जरूरत ही नहीं. आप तो एंटरटेन कर रहे थे, वरना असल में तो सिर्फ किताब पढ़ते हैं और कोई और कितने सीरियस रोल्स करते हैं. जी उमर, मैं कहूँगा सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको. ईद मनाएं अपने प्यारों के साथ, और अपने जिनको भी ईदी देनी हो, 10-10 के नोट की ही ईदी होती है. और सो ट्रू. और बिल्कुल, और दुआ में याद रखें, और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक जी. खाएं, खाना खाएं, एंजॉय करें, ईद है, दिलों को साफ रखें और दुआ में याद रखें. थैंक यू. सबसे पहले तो ईद मुबारक, और फिर ये कि घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करें, और बस ईद मुबारक. अल्लाह इतना छोटे से बोले बस. माँ बाप के साथ जल्दी घर जाना है, माँ बाप का फोन आ रहा है. पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक, और इस ईद को खुशियों के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि नॉर्मल रोज़ के दिनों में हमें लोगों को गले लगने का मौका नहीं मिल रहा होता, तो ये ईद जब भी आती है तो हम खुशी से लोगों के गले मिलते हैं, और बिना किसी वजह हम गले लग के बोलते हैं ईद मुबारक. तो शिकवे मिटाएं, नाराज़गियों को ख़त्म करें, खुशियां बांटें. और वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा बीमारियों में टाइम गुजरा है कोरोना में, तो ये वाहिद मौका है इसको सेलिब्रेट करें और खुशियों को मनाएं. ये थैंक यू. ईद मुबारक. जी नाजिश, ईद मुबारक मेरी तरफ से सबको. जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं उनको ईद मुबारक. अच्छे से ईद मनाइए, खुशियाँ बांटें, और जो लोग ईद नहीं उस तरह से सेलिब्रेट कर सकते जिस तरह से वो चाहते हैं, उनकी मदद कीजिए, उनको उस तरह से इस ईद पे खुश कीजिए जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें इतनी तौफीक दी हुई है. और खुश रहिए. सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक. और मुझे लगता है कि अभी जो हमारी दो ईदें गुजरी हैं पिछली, वो बहुत डिप्रेसिंग गुजरी हैं कोविड की वजह से और बहुत सारी वजूहात की वजह से. और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो ये ईद आ रही है वो हम सबके लिए बहुत अच्छी होगी, तो उसको बहुत ही खुशी से मनाइएगा. अपने घर वालों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कीजिएगा, क्योंकि यही हमें ऑफ डेज मिलते हैं. और सो के मत गुजारिएगा हमारी तरह, टाइम स्पेंड करिएगा बहुत सारा, और दुआ में याद रखिएगा. ईद मुबारक टू ऑल. वाओ भाई ज़बरदस्त. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया ये मस्तियाँ, ये मजाक करने का, जो सब हम शो में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे होते हैं. ज़ाहिर है एक दूसरे से मिलने का मौका हमें शायद इन शोज़ पे ही मिल रहा होता है, ये कभी कभार किसी की शादी सालगिरह वगैरह में. लेकिन मैं आप लोगों को दुआ देना चाहूँगी कि आप लोगों से लोग बहुत प्यार करते, और उसका जो नतीजा है वो हमें ऐसे पता चलता है कि जब आप लोग आते तो रेटिंग बहुत अच्छी आती है. इससे पता चल जाता है कि भाई जब भी ये लोग आए हैं सो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं और इनको देखना चाहते हैं. इसलिए हमने आपको अंडर वन रूफ जमा किया और लोगों को ईद का तोहफा दिया आपकी शक्ल. थैंक यू सो मच. तो इसी तरह काम करते रहें और अच्छे अच्छे काम करके लोगों को खुश करते रहें. बहुत ही वैसे दुखी हैं लोग और बहुत ही टेंशन हैं आप लोगों के ड्रामे एंटरटेनमेंट देखने के बाद, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम मिलता है. सो आप सब लोगों को ईद मुबारक, और वहाँ जो नाजरीन हैं उनको भी ईद मुबारक. बस दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि हम अपने घर वालों को छोड़ के सुबह सुबह आपके साथ ईद मनाने आए. तो बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आप सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक.